डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं करना। क्या बात है। या सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उसको हमें समझना होगा। तो आपके बीच में मैं कुछ रख रहा हूं और मैं फ्रेम में हूं। ओके, मसीह मंथन बैठक और खरी शिक्षा आती हैं तीन प्लेटफॉर्म से। एक है यूट्यूब, दूसरा है फेसबुक और तीसरा है इंस्टाग्राम। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आप देख सकते हैं आंकड़ा, घरी शिक्षा को अपना चुके हैं। और 10 से 15 या 20 दिन के बीच में कम से कम 2 से 2500 लोग और जुड़ रहे हैं। डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, बिल्कुल साफ है। और इसका मकसद भी यही है बताने का कि पैसा नहीं कमाना है, बल्कि ये शिक्षाएं जितनी तादाद में लोगों तक पहुंच सके उस मकसद से हम कर रहे हैं। ओके, और ये सब कुछ हुआ है मात्र 3 से 4 साल के अंदर, क्योंकि जी जी क्योंकि बस बस जी आप जरा साथ दिया करो सिस्टर का। ओके, बेचारी अकेली बजा रही हो। ओके, तो जिसका मकसद था कि मसीह के दह को ठीक करना या सुधारना, और जिसके लिए हम बड़ा प्रयास ऑलरेडी करते जा रहे हैं। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसको देख लें। लिखा है डेट्स आर कंफर्म्ड फॉर MMB कॉन्फ्रेंसेस 2024 कॉन्फ्रेंसेस या कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। एक आ रहे हैं हम गुजरात, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लुधियाना, चौथा है शिमला, नेपाल, उत्तर दिनाजपुर, सिलीगुड़ी, अंबिकापुर, खैरागढ़, रांची, मेदिनीपुर, कोलकाता और बिल्कुल आखिरी में कुछ 4-5 दिन के गैप के बाद गोवा। और लिखा है कि 25 दिन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। आपका जो रिएक्शन था ना, वाह वाला, बाकी लोगों को क्या हो जाता है। बैठिए, उनको ऐसे जगह पे बिठाओ कि वो इसको देख सके। कुर्सी इस तरफ ले लो, कुर्सी इस तरफ ले लो सिस्टर जी, आराम से। ओके, तो जिसके चलते ये जो अनाउंसमेंट्स है आपके बीच में मैं रख रहा हूं, और आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी क्षेत्र में हम पहुंच रहे हैं, या जल्दी सेट कर लीजिए, इन सभी के बीच में हम जाने वाले हैं, इन सभी स्टेट्स में हम ट्रेवल करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस ग्रुप में, मतलब ये जो ट्रेवल का जो टीम है, इसमें हमारी टीम साथ में रहेगी, मैं रहूंगा और बाकी हमारे कुछ बच्चे रहेंगे, ड्राइवर रहेगा, इन सब साथ में हम ट्रैवल करने वाले हैं। और मुझे अच्छे से पता है कि जब ये शुरू होगा, एक व्यक्ति है उसको बड़ी तकलीफ होने वाली है, जोर से जी, बाकी लोग नहीं बोल रहे, पता नहीं क्या बात है, सबको चाय पिलाओ। ओके, तो एक व्यक्ति है जिसको बड़ी तकलीफ होने वाली है, और उसका नाम है शैतान। या वेरी गुड। और उसको तकलीफ जब पहला दिन अनाउंसमेंट हुआ था, उसके रात ही तकलीफ हो गई। एक ग्रुप चलाता है कोई, उसका नाम है सावधान रहो, वो खुद ही सावधान नहीं है। सबको बोल रहा है सावधान रहो, उसको इतनी तकलीफ हो गई जब हमने ये स्लाइड दिखाया था, और उसको कहा था, या आपको भी मैंने कहा था कि मसीह मंथन बैठक जो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसके लिए आप अपनी इच्छा से फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये वचन रखा था जहां लिखा है निर्गमन का 25:2 में लिखा है कि जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वो दे सकते हैं। तो उसको भी कह रहा हूं और आप सभी को भी कह रहा हूं कि लूसीफर मुझे नहीं रोक सकता, लेकिन लूसीफर मेरी गाड़ी को रोक सकता है। आप नहीं समझे, वो बोलेगा देखता हूं कि डैनियल राज इन सब जगह पे ट्रैवल कैसे करता है। बोला क्यों? बोला जो पेट्रोल है उसको मैं रोक दूंगा, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगी तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, और पेट्रोल डालने के लिए चाहिए होता है। तो जैसे ही ये पोस्ट हमने रखा, आप समझ गए। ओके, बट हम नहीं रुकेंगे, या हम नहीं रुकेंगे, या तो अगर किसी को जो यहां पे बैठा है, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है,
अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई इन सब जगह पे मैं तो नहीं जा सकती या जा सकता, आप जा रहे हैं आपकी टीम के साथ, और इन सब जगह पे जब आप जाओगे इनको इनकरेज करोगे, देखो फेस टू फेस बात करने में बहुत फर्क है और जो वर्चुअल होता है, जो लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं उसमें बहुत अंतर रहता है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जब इसका प्रभाव इन पे पड़ेगा तो काम में तेजी आएगी, और जिसके बाद होगा क्या, प्रभु का राज्य बढ़ेगा। तो आप नहीं जा सकते लेकिन आप किसी को भेज सकते हैं, और जिसको भेज सकते हैं वो आपके सामने खड़ा है। और वैसे ही जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि इन सब जगह पे आप नहीं जा सकते हैं, आप सेविकाई नहीं कर सकते हैं, ये आदमी आपके सामने खड़ा है, तो जिसके चलते आपको करना क्या है कि इस नंबर पे फोन करना है, और आपको जो भी लगता है कि कुछ राशि आप इस मिशन ट्रिप के लिए दे सकते हैं तो मैं आपका वेलकम करता हूं। बाकी प्रभु का काम है, वो अपना काम करेगा। और बात करते हैं अब आज की स्टडी की, तो क्या सब तैयार है? ओके, तो जिस जिसका मोबाइल आपने साइलेंट नहीं किया है कर लीजिए, और अगर मेरे अनाउंसमेंट के बाद बचता है तो वो फोन हम ले लेंगे, उसको भेज के हम मिशन ट्रिप में डाल देंगे। मजाक कर रहा हूं टोटल। या तो इस वक्त हम चाहते हैं कि आज की जो स्टडी है एपिसोड नंबर 6 आपके बीच में मैं रखना शुरू करूंगा। तो जितने यहां पे बैठे हैं और जितने यहां पे देख रहे हैं, आपको पता होगा कि जब एपिसोड नंबर 5 हमने एंड किया था तो हमने इस स्लाइड के साथ एंड किया था, अगर आपको याद होगा। तो अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। ओके, जब ओके सब लोग ठीक, वंडरफुल। आपने अगर 4-5 एपिसोड देखा है तो आपको यह समझ आएगा। अगर आप अभी बैठे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो पहले देख लो, बाद में घर जाके उसको देख लेना तो मैच हो जाएगा। ओके, और सेम विद आप लोगों के लिए भी है। जब नोहा इस जहाज में है तो इसको यहां पे रुके 365 दिन हो चुके हैं, जिसको कहते हैं कि एक साल। ओके, आप चाहे द बुक ऑफ जशेर की किताब से देखो या फिर आप बाइबल की उत्पत्ति की किताब से देखो, अगर आप दिन को काउंट करोगे 40 दिन, 150 दिन, 7-7 दिन ऐसे करोगे, तो आपको पता चलेगा कि नूह जब अंदर गया वो दिन और जब नूह बाहर आया वो दिन तकरीबन एक साल। तो एक साल नूह यहां पर है, और जो शुरुआत के 40 दिन थे ना, वो बहुत टफ थे इस आदमी के लिए, क्योंकि 40 दिन जब लहरें इस पर थपेड़े मारती थी तो ये अंदर जो बैठा है नूह और उसके साथ में 7 लोग, उनको लगता होगा कि हम भी खत्म। लेकिन परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात सब कुछ को तहस नहस किया सिवाय इस बोट को या इस जहाज को। क्या अद्भुत है परमेश्वर, आमीन। जैसे ही नूह को पता चला कि सब शांत हो गया है, 150 दिन कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद इसने कोशिश करी कि मैं देखूं क्या सब कुछ ठीक है, तो इसने सबसे पहले कौवा उड़ाया, लेकिन कौवा वापस नहीं आया। सबको आवाज ठीक से पहुंच रही है? सबको मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही है? थैंक यू। तो जैसे ही नूह ने कौवा उड़ाया, कौवा वापस नहीं आया। उसके कुछ दिनों बाद या 7 दिनों बाद उसने कबूतरी उड़ाई, नॉट कबूतर, कबूतरी को उड़ाया, और जैसे कबूतरी को उड़ाया वो वापस आ गई। तो उसको पता चला कि कबूतरी को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली। लेकिन ठीक 7 दिन बाद वापस उसने इसी कबूतरी को उड़ाया तो उसके हाथ बोल रहा हूं, उसकी चोंच में, जिसको कहते हैं ऑलिव लीफ, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है जैतून की पत्ती, और वो यहां पे आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब 8:11, मैं फ्रेम में हूं, राइट। लिखा है कि उस दिन दोपहर बाद कबूतरी नूह के पास आई और कबूतरी के मुंह में एक ताजी जैतून की पत्ती थी। प्रश्न उठता है जो यहां देख रहे हैं और जो यहां बैठे हैं, क्या ये इत्तेफाक है? इत्तेफाक समझते हैं, क्या ये यूं ही है? अगर आपका क्वेश्चन है तो ऐसे करके पूछो, क्या ये इत्तेफाक है? तो जवाब है नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये यूं ही नहीं है। जिसके चलते आप लोग पहले दिन से
माफी चाहता हूं, फर्स्ट एपिसोड से मैं बताते आ रहा हूं कि जो ओल्ड टेस्टमेंट है वो न्यू टेस्टमेंट की बातों की छाप है या छाया है, जिसको कहते हैं शैडो, जिसको कहते हैं छाया। और न्यू टेस्टमेंट है सच्चाई, वो है परछाई और ये है सच्चाई। क्या बात है, आप समझ रहे हैं जी। साथ ही साथ ऐसा वो सब कुछ जो ओल्ड टेस्टमेंट में घटता था, वो चाहे ये वाली घटना हो या आइसेक वाली घटना हो या मूसा के वक्त की घटना हो, उन सब का कनेक्शन न्यू टेस्टमेंट से और उन सब का कनेक्शन आपसे मुझसे है, क्योंकि जो यीशु के साथ होता है वो सब कुछ हमसे जुड़ता है। क्या बात है, कैसा लगा? देखो, एक होता है रिस्पॉन्स करना ताली से, दूसरा होता है ऐसा वाला, और तीसरा होता है ऐसा वाला हाथ, अरे यस है ना ये वाला, और झोल बच्चा कुछ असर देना है तो एक होता है स्माइल। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, बोला क्या हो गया भाई। तो आप समझ गए, अब इसका कनेक्शन आपको मैं देने जा रहा। आर यू रेडी फॉर दिस? कनेक्शन ही ये वाला, जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था तो लिखा है कि यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। किसको? कम ऑन जोर से, कबूतर को। यहां पे कौन है? कबूतर। अब प्रश्न उठता है कि ये पत्ती क्यों, और वो भी जैतून की पत्ती क्यों? नारियल का पत्ता, इसका पत्ता, उसका पत्ता, लेकिन जैतून का पत्ता क्यों, पत्ती क्यों, सॉरी, यू अंडरस्टैंड, जैतून क्यों? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट के आने तक जिन लोगों को अभिषेक किया जाता था वो जैतून के पौधे का ही तेल से किया जाता था। वाह, सही। मूसा ने जो टबरनाकल बनाया था ना, उसमें जितने भी साधन थे, जो मटेरियल्स थे, उन सब का अभिषेक जैतून के तेल से हुआ है। तब जाकर यीशु के बारे में लिखा, आइए सुनते हैं ये वाला। लुका की किताब उसका 4:18, सबको दिख रहा है, लुका की किताब उसका 4:18 लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए एक सब पल मेरा अभिषेक किया है। तो यहां पर अभिषेक शब्द है, सोच के देखिए। तो जब ये घटना घटी और जब इसके साथ में तुलना की तो लिखा है कि यहूदी समझ गए। एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि यहूदी चिन्ह चाहते थे। तो परमेश्वर कहता ठीक है, कनेक्शन देता हूं। तो यीशु वो परफेक्ट योजना के तहत आता था, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सटीक। ओके, यहां तक ठीक है। अब बात करते हैं कि नूह जब जहाज से बाहर निकला तो निकलते ही उसने क्या किया। आई रेडी फॉर दिस? लिखा है कि नूह ने यह किया। लिखा है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवरों को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट करके जलाया, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बंट ऑफरिंग, जिसको कहते हैं कि उसने परमेश्वर को याद किया, उसने परमेश्वर की स्तुति की। सब लोग ठीक है? उसने परमेश्वर को महिमा दी। और यह बात बताती है कि नूह चाहे 365 दिन के बाद जब वो बाहर निकला तो हमको पता चलता है कि नूह परमेश्वर को नहीं भूला, उसने परमेश्वर को याद रखा। बस आपको भी कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को याद रखना, परमेश्वर को याद, सब लोग ठीक, परमेश्वर को याद रखना। कुछ भी हो जाए आपके हर एक लाइफ में, उतार चढ़ाव सब कुछ आता है। देखो, पूरी की पूरी पृथ्वी उलट उलट पुलट हो गई है यहां पे। जिसको कहते हैं कि नूह जब बाहर निकला होगा तो उसको नहीं पता कैसे जाऊं, आगे क्या है, घर कहां होगा, मार्केट कहां होगी, सब्जी कहां से मिलेगी, सब कुछ जीरो से शुरू करना है। लेकिन वो सब कुछ शुरू करने से पहले उसने परमेश्वर को याद किया। वाह, इसको कहते हैं कि परमेश्वर को पहला स्थान देना। जब पॉकेट में पैसे हो
तो स्तुति करना अच्छा लगता है। आपकी नहीं, जनरल बात कर रहा हूं। जब आपके घर में सब कुछ ठीक हो तो स्तुति करना अच्छा लगता है। आपका जब हेल्थ ठीक है तो स्तुति करना अच्छा लगता है। लेकिन ये जब बिगड़ता है तो बहुत बड़ा, मेरा हाथ देख लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरा ही बच्चा क्यों, मेरे ही वाइफ हस्बैंड क्यों, मेरी ही नौकरी क्यों, मेरे ही घर में तकलीफ क्यों। ऐसे टाइम पे परमेश्वर को याद करना कठिन होता है, लेकिन हमने ये नहीं सीखा प्रभु से। प्रभु कहता है चाहे कुछ भी हो जाए। एक और चीज कनेक्ट करता हूं आगे बढ़ने से पहले, और देखता हूं कहां तक जा सकता हूं। सब ठीक है ना। यीशु कहता है कि डैनियल, आप लोग अपना नाम डाल लो, यीशु कहता है कि डैनियल तू चिंता करके ना अपने बाल को काला ना सफेद कर सकता है। दूसरा, तू एक घंटा आगे पीछे भी नहीं कर सकता। जो चल रहा है वो चलेगा, जो घट रहा है वो घटेगा, जो कुछ बीत रहा है आगे बोल दो वो आपके साथ में बीतेगा। लेकिन फर्क इतना है कि बाहर वालों के पास में ऐसे वक्त में परमेश्वर नहीं है, तुम्हारे पास है। ये फर्क है। और इस व्यक्ति के साथ में भी यही हुआ, इसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को याद करूंगा। ओके, अगला स्लाइड आपको जरूर देखना है। आई रेडी फॉर दिस? और आशा करता हूं कि यहां पे भी सब कुछ ठीक चल रहा है। लिखा है कि नूह या नोहा द राइचियस लाइन, जिसको कहते धार्मिकता की लाइन, आपको याद होगा कि आदम का जो पहला बेटा था कैन वो राइचियस लाइन नहीं बना, लेकिन उसका जो दूसरा बेटा हाबील वो राइचियस लाइन बना लेकिन कत्ल हो गया। उसके जगह पे परमेश्वर ने आदम जैसा दिखने वाला एक लड़का और पैदा किया जिसका नाम था शेत। क्या बात है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सही जवाब देते हैं। और उसके साथ चला ये आदमी का लाइन, और जिसको कहते हैं राइचियस लाइन, जिसको कहते हैं धार्मिकता की लाइन, और जिसके चलते इस व्यक्ति ने परमेश्वर की आराधना करना चुना। तो लिखा है कि आराधना केवल परमेश्वर की ही हो। अब एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि लिखा है आफ्टर द फ्लड पृथ्वी पर आइडल वर्शिप। लिखा है कि शेम की लाइन से, शेम एक है पहला बेटा शेम, दूसरा है येपेत, और तीसरा है हाम। ये तीनों बेटे थे, और जो हाम था वो सबसे खतरनाक बच्चा, और वो लास्ट वाला बच्चा था, ठीक है ना। तो लिखा है कि शेम की लाइन से भयंकर रीति से शुरू होने वाला था आइडल वर्शिप। और इसने अपने बच्चों को सिखाया था, तीनों को सिखाया था कि हम चाहे कहीं पे भी उतरे हो पानी से, जहाज से, लेकिन हमें परमेश्वर को याद करना है। और जिसके चलते तीनों बच्चों को और उनकी बहुओं को यह याद दिलाया गया था कि परमेश्वर के सिवा किसी की आराधना नहीं करना है। तो जिसके चलते ये बात आपके बीच में जब आप बाइबल पढ़ते हो तो ये आपको दिखता है। सब लोग ठीक? ओके, तो लिखा है कि भयंकर रीति से पाप होने वाला था, मूर्ति पूजा होने वाली थी। तो ये जो तीन नाम है, सबसे पहले यहोशू की पुस्तक जिसको कहते हैं द बुक ऑफ जोशुआ, जो कि सिक्स्थ नंबर का पुस्तक है आपके बाइबल से, उत्पत्ति निर्गमन व्यवस्था गिनती व्यवस्था विवरण यहोशू, याद आ गया। तो उसके 24वें अध्याय में वचन एक से पढ़ते, लेकिन रखा है दो। लिखा है कि तुम्हारे पुरखा, जिसको कहते हैं कम से कम अब कई या एक हजार डेढ़ हजार साल के बाद में, लिखा है कि तुम्हारे पुरखा परात महानंद के उस पार, इसका मतलब है कि जो बाढ़ आई थी उस पार, जो आपका बाढ़ आया था उसके उस तरफ, लिखा है कि तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार रहते हुए, शब्द को पढ़ो, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। ये कौन बोल रहा है? जोशुआ, यहोशू। यहोशू कौन है? मूसा का नौकर, हाथ धुलाने वाला। उसके बाद में लीडर किसको बनाया? जोशुआ को, जबकि लीडर कौन था? मूसा। और उसको पता चला कि मूसा ने जो सिखाया, क्योंकि वो लिख रहा था, और मूसा की आखिरी किताब व्यवस्था विवरण के कुछ चैप्टर्स इसने लिखा है, क्योंकि मूसा मर चुका था। जब आपको कुछ पटता है तो ये वाला होता है, और ये एक होता है, ठीक है ना। तो जोशुआ को पता था कि जो हमारी वंशज है, अभी ठीक है, पुरखा वंशज है, वो कहां से निकली है? इसराइली, अभी जितने देख रहे हैं आप लोग भी सुनो, इसराइलियों को लगता है कि हम बाय बर्थ इसराइली हैं। नहीं,
भाई भरधाम छुविश है, नहीं, आपकी बीज यहां से आई है, नाहोर, उसका बेटा तेरा और उसका बेटा अब्राम। और ये सबका सबका लाइन कहां से आ रहा है? मूर्ति पूजा से। लेकिन इस व्यक्ति को जिसका नाम है अब्राम, आगे रखूंगा एपिसोड नंबर 7 में, तो पता चलता है कि परमेश्वर ने अब्राम को ऐसा बदला कि सबसे पहला उसका घर का कनेक्शन काट दिया, उसके कल्चर का कनेक्शन काट दिया, उसको टोटल जीरो बना दिया। याद आ गया कुछ? और उसको कहा कि अब बाहर निकल, अब तुझे बताऊंगा कि कहां जाना है। तो तुझे कहां जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है और कैसे जीना है। वाह, अच्छा है नहीं? सब कुछ मैं सिखाऊंगा। और उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी तुझे मैं सिखाने के लिए कहूंगा। तब लिखा है कि तुम्हारे पुरखा। बाप रे, कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैंने कहा था जब एपिसोड नंबर 4 या 5 में, सीख मसीह समाज के लिए, सीख, सीखना, सिखाना, सीख, टीचिंग बहुत जरूरी है। हमने अब तक फोकस क्या किया था? मैं खुद भी 20 साल क्या करता था, मुझे ऐसा लगता था चर्च में जाओ और मस्त में एंजॉय करो, है ना, नाचो कूदो खाओ, बस यही है क्रिश्चियनिटी। साल में 3 बार तो जम के, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, फिर उसके बाद में मंडे। और ऐसे करते हुए हम सब ने यही जीवन जिया था, लेकिन हमने सीखा नहीं। और बाइबल क्या कहती है? दानियल की किताब उसका 12:4 में, जो दूसरों को सिखाते हैं आकाश में तारों की नाई। क्या बात है! तो एक आप सीख रहे हैं, दूसरा आपको सिखाने के लिए तैयार होना, और उस लेवल पे तैयार होना है कि अच्छे से अच्छे तुर्रम खान आपके सामने पानी मांगे। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो लिखा है कि जैसे ही मुंह बाहर आता है, परमेश्वर की वर्शिप करता है, परमेश्वर अपनी तरफ से एक वादा करता है, वो वादा है ये वाला, कि मैं फिर से कभी भी पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा। आइए पढ़ते हैं। यहोवा ने मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्यों के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं पृथ्वी को किसी प्रकार से पानी से खत्म नहीं करूंगा। लेकिन आप सभी जानते हैं, दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 5-6 नहीं पढ़ना, लिखा है कि आप पृथ्वी पानी से नाश नहीं होगी। बिल्कुल सही जवाब, आग उतरेगी, ये पूरी पृथ्वी आग से नाश होगी। समझो ठीक? या तो इस वादे के साथ परमेश्वर नूह को आगे ले जाता है। उत्पत्ति 9:7 पढ़ते हैं, लिखा है कि नूह तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को, माफ करना, पुत्रों के अनेक बच्चे हो और धरती को लोगों से भर दो। जी जल्दी बैठ जाइए। जी सेट हो जाए, जल्दी से सेट हो जाइए। जी हाँ, आराम से। ओके, तो लिखा है कि धरती को किससे भर दो? एक साथ बोलिए, लोगों से। अब प्रश्न उठता है कि ये 3 कौन है? कौन जानता है कि ये 3 कौन है? एक शेम, दूसरा ये पेत, तीसरा हाँ, ये जो पूरी विश्व है ना, ये देखो, ये जो पूरी दुनिया है ना, अगर यहां पे आज की तारीख में भी अगर पॉपुलेशन फैला है, तो इन 3 की वजह से फैला। इनका परमेश्वर कौन है जिसकी अभी इन्होंने आराधना की? जब ये लोग फैल रहे थे पूरे प्लैनेट पे, आज का पॉपुलेशन कितना है? 8 बिलियन 800 करोड़। भारत का कितना है? 140 करोड़। 800 करोड़ का टोटल पॉपुलेशन कहां से पैदा हुआ? इन 3 से। सबको समझ में आ रहा है? जब ये 3 पैदा हुए थे, इसके बाप को पता था कि परमेश्वर कौन है। जब उसका बाप पैदा हुआ था, उसके बाप को पता था कि परमेश्वर कौन है। जब उसका बाप पैदा हुआ था, तो आप समझ रहे हैं, आजकल सब बाप बिगड़े हुए हैं, इसलिए बच्चों को नहीं सिखा पा रहे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। कैसा लग रहा है? आपकी जो अपेक्षा है ना, उसको मजबूत करो, क्योंकि आगे जबरदस्त मसाला आने वाला है। सब लोग ठीक? एक बार दिखा दो, अगर दिखा सकते हो, खास करके मेरा कैमरा, आप भी दिखा सकते हो, दूसरा भी, हाँ मेरा और वो भी दिखा दो कि हम लोग कहाँ पर हैं। और जब कैमरा आपकी तरफ घूमता है, तो थोड़ा हंस के ऐसे ऐसे कर दो। जी क्या बात है! जी
वंडरफुल वंडरफुल या अभी फेसबुक की बारी है, मेरे को पहले ठीक से सेट करो फिर जाना उधर। ओके, तो इस पूरे पृथ्वी पर सबको पता था जिन तीन लोग निकले हैं कि इनका परमेश्वर कौन है। और शुक्र मानो आप लोग खुद को, अपना हाथ लो, खुद के पीठ को शाबाशी दो। पता है क्यों? क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको भटका दिया था, लेकिन शुक्र है कि मरने से पहले आपकी आंख खुल गई। और मुझे खुशी है कि 30 साल पहले मेरी आंख खुल गई, और जैसे मेरी आंख खुली मैं अपना चुपचाप 14-15 इंच का टीवी देखते हुए घर पे बैठ गया। मैं घर से बाहर निकला। उस दिन से लेके आज तक मैं घर से बाहर मतलब समझ गए ना, ना खुद चैन से रहता हूं, ना दूसरों को चैन से रहने। आप लोग ने मेरा उसको क्या कहते हैं, धड़पड़। आप मेरा धड़पड़ देखते हो? मैं आता हूं, कुछ ना कुछ करते रहता हूं, कभी इधर तो कभी उधर, जबकि मेरे को आके चुपचाप बैठना चाहिए क्योंकि मैं पास्टर हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं। मेरा धड़पड़ देखा आपने, ये मेरे रग रगबे हैं। वैसी मैं चाहता हूं कि जैसी मेरी धड़पड़ है आप सबकी भी धड़पड़ होनी चाहिए। और आपके कईयों के कुछ कुछ है, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। तो पूरे प्लैनेट पे इन सब के वजह से ही पॉपुलेशन फैला, यहां तक ठीक। ओके, जैसे ही नू अपने जीवन काल में आगे बढ़ रहा था और उसने अपने फैमिलीज को तैयार करना शुरू किया, ऐसे करते करते उसके साथ एक घटना घट गया। लिखा है कि नूह के साथ एक घटना घटती है, और वो ये घटना तब घटती है जब नूह अंगूर का बगीचा लगाकर अंगूर का जूस बनाकर और उसको उसने ऐसा तैयार किया कि उसको पीने से नशा आ जाए। अभी मैं रखूंगा, ओके? जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइन। अंगूर का जो जूस होता है उसको भी बाइबल कहती है दाखरस, दाख मधु, उसको भी कहती है वाइन जिसमें नशा हो, और जो सिर्फ जूस है जिसमें नशा नहीं है उसको भी बाइबल कहती है वाइन। और जब आप पढ़ते हो तो आप लोगों को लगता है अरे ये भी दाखरस, ये भी दाखरस, लेकिन जो पीता है उसको पता है कि क्या है। उस वक्त जब पीते थे तो उनको पता है कि हम क्या पी रहे हैं। और जब आप पहले मैं जाता था, और यहां पे भी कुछ लोग इतने शरीफ तो नहीं बैठे होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे, तो जैसे ही आप देखते हैं दुकान वाले को पूछते हैं कि भाई ये जो है ना ये अंगूर का जूस है ठीक है, लेकिन क्या इसमें अल्कोहल है? तो कहता है कि नहीं सर ये नॉन अल्कोहल है। तब आप कहते हैं ठीक है मुझे वो चाहिए। अगर आपको अल्कोहल वाला चाहिए विथ अल्कोहल, तब आप कहते हैं उसमें वो है क्या? तो उस पर लिख कर आता है कि विथ अल्कोहल। बात समझ में आ गई? तो अंगूर का बगीचा जब इसने लगा तो इसके साथ एक घटना घट गई, जब ये पीके मतवाला हो गया। तो इसका जो सबसे छोटा लड़का है जिसका नाम है हाम, आपको चित्र से पता चल रहा होगा कि ये अफ्रीकन है, जिसको कहते हैं काले लोग, अफ्रीकन्स, तो ये वही से निकला है। क्योंकि जब नूह के बच्चे हुए तो उसमें से एक ऐसा पैदा हुआ जो काला था, अफ्रीकन था, लेकिन तब तक लोगों को नहीं पता था कि अफ्रीकन्स क्या होते हैं प्लेनेट पे। उसमें कुछ बच्चे गोरे थे और कुछ बच्चे काले थे। तो जैसे ही हेम हाम पैदा होता है वो निकला काला, यानी कि अफ्रीकन, अफ्रीका, अफ्रीकन्स, इथोपियंस रखूंगा आगे, सब लोग ठीक। और उसकी वजह से ये लाइन निकली। अब हम पूछते हैं कि जो चाइनीज लोग हैं वो छोटे छोटे कैसे हैं? फिर हम ये भी पूछते हैं कि हम सबकी नाक लंबी, उनकी चपटी क्यों? तो उनको ठोक ठोक के चपटा नहीं किया है, उनको ठोक ठोक के चपटा नहीं किया है, उनकी पैदाइश ही ऐसी हुई है। तो इन सब की वो चाहे नाटे हो या मोटे, पतले हो या जो भी, यू अंडरस्टैंड, काले गोरे, इन सब से निकले। एक होता है ऐसे और एक होता है। तो नूह के साथ घटना घटती है, और वो घटना ये घटती है, लिखा है कि 9:21 में नूह दाख मधु बनाया, माफ करना, नूह ने दाख मधु बनाया और उसे पिया। तो इसका मतलब है कि इसने खुद बनाया। अंगूर के जूस को इतने देर तक रखा या इतने सालों तक रखा कि वो ऐसा कुछ बनाए जिससे पीकर नशा है, नशा है। तो उसने बनाया और मतवाला हो गया और अपने तंबू में लेट गया, और नूह को नूह कोई कपड़ा नहीं पहना था।
अब हमको नहीं पता कि ऐसा क्यों, के नूह के बॉडी पे कपड़े क्यों नहीं है। तो जैसे ये घटना घटती है, इसका जो छोटा लड़का था हम, वो उसके साथ क्या करता है उसका भी जिक्र नहीं है। सबका फोकस, उसका भी जिक्र नहीं है। और उसके जो दो भाई हैं, आप देख सकते हैं उसके जो दो भाई हैं वो ऐसे पीठ के बल पीछे जाते हैं कपड़ा लेकर, और अपने बाप के ऊपर वो कपड़ा को डालते हैं। और फिर जब नूह होश में आता है तो उसको पता चलता है कि मेरे छोटे बेटे ने रखूंगा, मेरे साथ में क्या किया, लेकिन क्या किया है नहीं लिखा है। ओके, तो जिसके चलते, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि अंगूर का जो जूस है वो वाकई में परमेश्वर ने नशे वाला ही बनाया, तो जिसके चलते ये रखा हूं मैंने। तो सबसे पहले नूह ने बगीचा लगाया अंगूर का, ग्रेप्स का बगीचा लगाया, लेकिन उस अंगूर के जूस में नशा मिलाकर उसने पिया है। जैसे कि लूत की दो बेटियों ने, अगर आपको याद होगा लिखा है 19:35 में, सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को, नॉट पति को, पिता को दाख मधु पिलाया। और आप सब जानते हैं कि सदोम और गमोरा जो पूरी तरह से आग से नाश हो गया था, उस टोटल कल्चर में, जैसे आगे हम जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, बाइबल कहती है कि सदोम और गमोरा परमेश्वर की नजर में बहुत दुष्ट हो गया था। सबका फोकस, और ऐसे कल्चर से ये निकले थे, क्योंकि लूत अपने अंकल को, आप समझ गए, अब्राहम को छोड़कर जा चुका था, और उसका पूरा नेचर, उसका पूरा कल्चर, उसका रहन सहन सब कुछ बदल गया था। लेकिन नूह ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा था, और आप जानते हैं कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, नमक का कम्मा बन गई। अगर पत्नी होती तो ये हरकत नहीं होता, अब क्योंकि पत्नी नहीं थी तो ये बातें हुई हैं। और नूह कहता है, या बेटियां आपस में कहती है कि हम किसी और पुरुष के पास जाकर कोई गलत बच्चा पैदा करें, उसके बजाय ये है कि अपने ही घर में बच्चा पैदा हो। अब ये दिमाग से बाहर है कि ये कैसे संभव है। बट आपको बता दूं कि बहन बहन से शादी होती थी उन दिनों में, बहन भाई से, भाई बहन से। मुझे नहीं पता कि उस वक्त में ऐसा क्यों होता था, लेकिन होता था। उसके बाद में बातें चेंज की गई, और परमेश्वर आता है और सब सिस्टम रखता है कि कौन किससे शादी कर सकता है और किससे नहीं कर सकता। यहां तक ठीक है? ओके, तो लिखा है कि जब इसने वाइन को पिया तो वो अल्कोहल था, लेकिन जब जीसस ने वाइन बनाया वो विदाउट अल्कोहल था। एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। आहा, सब लोग कितना अच्छा पूछते हैं। एक साथ पूछो क्यों, क्योंकि यीशु अपनी खुद की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। अगर यीशु कहता है कि नशा करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जिसको कहते हैं कि शराबी पियक्कड़ स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो खुद क्यों शराब बनाएगा? यू अंडरस्टैंड? और ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। तो यीशु ने, ओके, और एक कनेक्शन देता हूं। जब इसने पिया, किसने, इस शादी के प्रधान ने पिया, बोझ के प्रधान ने पिया, तो उसने क्या कहा, इतना अच्छा दाखरस अभी तक तुमने कहां रखा? तो मेरा क्वेश्चन है, आई रेडी फॉर द आंसर क्वेश्चन, क्या ये होश में था जिसने पूछा ऐसे क्यों देख रहे हो और इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ये सेंस में, अपने होशो आवाज में, पीते वक्त में उसको पता है कि पिछला क्या पिया था। हद है साहब, जिस जिसने पिया है थोड़ा सा याद करो, क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है उसने भी कई बार पिया है, तो जो पीछे पिया था अपने को नहीं पता चलता कि क्या पिया था। यू अंडरस्टैंड, पी के इतने मतवाले हो जाते, लेकिन जिसने पिया था यहां पे, उसको पता था कि मैंने क्या पिया, उसके जबान पे टेस्ट तक है। अगर नशा आता या मतवाला होता तो पहली बात तो बात ही नहीं करता, ठपाक। लेकिन जब जीसस का पिया हुआ दाखरस उसको पीता है तो बोलता है वाह, तो ये इतना अच्छा दाखरस बनता कब है? बरसों बाद। अंगूर का जूस का जो स्वाद आता है, वाइन जिसको बोलते हैं, वो अच्छा बनता कब है? बरसों बाद। तो यीशु ने बरसों बाद को ऐसे शॉट में बना दिया।
बस बस तो जिस जी और जितने यहां पे देख रहे हैं आप लोग भी सुनिएगा समझिएगा, जिसका अर्थ ये होता है कि सूरज को बनने में, चांद को बनने में और यहां से वहां पहुंचने में, और जिसको कहते हैं मिल्की वे, ये वाला, और उसके अंदर कई ज्यादा और भी कई गैलेक्सीज हैं जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम, उसको समझने के लिए आदमियों को बरसों लगते हैं वहां पहुंचने में, यीशु ने ऐसे बनाया। तो इसका अर्थ है कि अंगूर का जूस को जो पहले पानी था, ऐसे कहा वो दाकरस बन जिसको बनने में बरसों सालों लगते हैं। वाह, और इसको कहते पहला चमत्कार। कैसा लगा अभी तक? ओके ना, जिस घटना को अभी मैंने रखा कि नूह के साथ क्या घटा, आइए उसको पढ़ते। तो ये वो व्यक्ति था, लिखा है कि बाद में नूह सोकर उठा, बाद में जब होश आया, तो लिखा है कि नूह सोकर उठा, वह दाख मधु के कारण सो रहा था। लिखा है कि तब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे पुत्र हाम ने उसके बारे में क्या किया, इसको पता चल गया है। ओके, और आप जानते हैं कि नूह इसके वंश को श्राप देता है। किसके वंश को? हाम के वंश को, अपने छोटे बेटे को श्राप देता है। ठीक है, ठीक है, छोटे बेटे को श्राप देता है, और वो जो छोटा बेटा से एक वंश निकलता है, और वो वंश का नाम है कनान, कनान। और आपको पता है कि परमेश्वर मूसा को कहता है, अब्राहम से शुरू करता है, मूसा तक जाता है, कहता है कि मैं तुमको वो प्रतिज्ञा का देश दूंगा, जहां तुमको पहुंचना है वो जगह का नाम है कनान। यहां तक ठीक? और आप जानते हैं कि कनान कैसा था, और कनान में कौन थे? दानव, निफेलिम्स, और ऐसे राक्षस थे जिसको दारा जासूस जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो कीड़े जैसे उनके सामने, उनकी नगरें बड़ी बड़ी, उनके लोग बड़े बड़े। सोच के देखिए कि कनान उस वक्त में कितना बिगड़ चुका था। यहां तक ठीक? या तो लिखा है 28 में, आइए पढ़ते हैं, लिखा है कि जल प्रलय के पश्चात नूह 350 साल, तो इसको कहते हैं कि नूह जब जहाज से निकला मरने तक वो 350 साल जिंदा था। तो टोटल कितने साल वो जिया? जब वो जहाज में गया 600 साल, और जो जिंदा है 350 साल, कितने साल हो गए? 950 साल। और मथूशैले कितने साल जिंदा था? 969। सबसे पुराना जीने वाला व्यक्ति वही है, और उसके बाद में ये। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि नूह ने अपने 350 साल के जीवन को आफ्टर द फ्लड अपनी आंखों से देखा कि दुनिया कहां जा रही है। यहां तक ठीक? तो लिखा है कि 950 साल के बाद वो मर गया। यहां तक ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? ओके, लिखा है कि नूह के जल पल्ले के पश्चात 350 साल, 350 साल के दरमियान, आर यू रेडी फॉर दिस, पृथ्वी पर बहुत कुछ बिगड़ चुका था। पृथ्वी पर बहुत कुछ बिगड़ चुका था, या पृथ्वी पर बहुत कुछ बिगड़ चुका था, और किस लेवल पे बिगड़ गया था आपके बीच में रखूंगा। तो लिखा है कि हाम के लाइन ने एक ऐसा व्यक्ति पैदा किया जिसका नाम था निम्रोद। ये देख लीजिएगा। अच्छा, आपको एडिट कैसा लग रहा है, जो चित्र एडिट हो रहा है? हाँ, इन सबको हमने अमेरिका से मंगवाया। आपको पता है किसने बनाया? जो 5वीं क्लास 3 बार फेल है। मैं घंटों बैठता हूं इस लैपटॉप के साथ, रात भर दिन भर, मेरे जो आंखों का नंबर है ना, चश्मे का नंबर, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और आपको जो खुराक खिलाता हूं वो रस्ते के ढाबे का खाना नहीं खिला रहा हूं। रस्ते के ढाबे का खाना गलत नहीं होता, मैं वो नहीं कह रहा हूं, नहीं तो पता चला सब ढाबे वालों ने मेरे पे मोर्चा निकाला, बोला कि आपने ढाबे के खाने को गलत कैसे। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी की। आपको जो खुराक खिला रहे हैं ना, वो इस लेवल का है। अच्छा, ये सर, ये क्या कहते हैं ना, ये आपको फ्री नहीं है, इसके पैसे हैं। हाँ, और वो पैसा ये है कि आप तैयार हो जाओ। अगर
अगर इन सारे तीन साढ़े तीन साल चार साल जो भी हम चला रहे, अगर इसमें 10 लीडर भी मुझ जैसे या मुझसे बढ़कर तैयार हो गए तो मैं समझता हूं कि काम और होगा। चलो एक फोन हमको मिल गया ऑफरिंग में। ओके, तो एक व्यक्ति जिसको पैदा किया जिसका नाम है, एक सब भूल दीजिए, निमरोध। इस व्यक्ति ने, सब ठीक, फोकस चाहिए, ठीक है ना, इस व्यक्ति ने इस पृथ्वी को आइडल वर्शिप करना सिखाया। निमरोध ने पूरी पृथ्वी पर आइडल वर्शिप करना सिखाया। इसने सिखाया कि लकड़ी की जो मूर्ति मैं बना रहा हूं, पत्थर की जो मूर्ति मैं बना रहा हूं, उसकी वर्शिप ऐसी होती है। लिखा है जशेर की किताब में, जब मैं रखूंगा, लिखा है कि इसने सिखाया, इसने टीच किया। और परमेश्वर हमको क्या सिखाता है? सच्चे परमेश्वर की आराधना करना। शैतान सिखाता है अपनी खुद की बनाई हुई परमेश्वर की आराधना करना। यह फर्क है, उनकी भी टीचिंग जोरों से है और हमारी भी टीचिंग जोरों से। यू अंडरस्टैंड? और क्योंकि हमारी तरफ वाला परमेश्वर सच्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका खेल ज्यादा दिखता है। और उसकी वजह यह है कि इनकी तादाद ज्यादा है, और इनमें से अगर जिस किसी की भी आंख खुलेगी उस दिन उसको पता चलेगा कि उसने कितने साल बर्बाद किए। कितने लोग समझ रहे हैं? तो इस व्यक्ति ने जिसका नाम है निमरोध, पूरी पृथ्वी को उसने आइडल वर्शिप करना, मूर्ति पूजा करना सिखाया। लिखा है अध्याय 10 अध्याय 11 के बाद की घटना है, क्योंकि जब मैं आपको सिखा रहा हूं तो वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं सिखा रहा हूं। आपको याद होगा मैं क्या कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंस है, जो मुख्य चीजें हैं उसको मैं सिखा रहा हूं। तो अपने स्टडी के हिसाब से हम पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 10 में, अध्याय नंबर 10 में। लेकिन जो अध्याय नंबर 10 की बातें हैं वो होती हैं अध्याय 11 के बाद। तो जबकि लिखना था जो बातें 10 में, उसको लिखना था 11 में, और जो घटा है 11 में उसको लिखना था 10 में। बात समझ गए? ओके, तो लिखा है कि अध्याय 10 की जो बातें हैं वो घटती हैं अध्याय 11 के बाद में। तो बात करते हैं अध्याय 10 की, जो कि घट चुकी है अध्याय 11 में। और जब हम पहुंचेंगे अध्याय 11 में, जो कि उसको लिखना था 10 में, आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं। तो लिखा है कि नूह के पुत्र ये हैं तीन, एक है शेम, दूसरा है हाम और तीसरा है येपेत, जबकि हाम जो है वो छोटा है। और इसका मैंने कलर चेंज किया है, आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि आदमी ठीक नहीं था। सब ठीक है यहां पे? ये आदमी ठीक नहीं था। इस व्यक्ति ने एक ऐसे वंश से, इस व्यक्ति ने अपने वंश से एक ऐसे व्यक्ति को पैदा किया जिसका नाम है निमरोध, और निमरोध के नाम का अर्थ होता है आओ हम विद्रोह करें। किसके अगेंस्ट में? परमेश्वर के अगेंस्ट में। बाप रे, इसके नाम का मतलब ही यही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिबेल अगेंस्ट गॉड, रिबेल अगेंस्ट गॉड, विद्रोह। कुछ पैदा होते ही हैं विद्रोह करने के लिए, उनको कितना भी समझाओ नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उनको पैदा ही इसलिए किया गया। यू अंडरस्टैंड? तो उस वक्त जब सब कुछ ठीक चल रहा है, यह लड़का पैदा हो गया, और लूसीफर ने इसी को पकड़ा और बोला इसके द्वारा मैं चीजों को पृथ्वी पर से बिगाड़ूंगा। आप पास्टर हैं और कुछ पास्टर की वाइफ हैं, कुछ लीडर्स यहां पे बैठे हैं, यहां कौन कौन है जो निमरोध के बारे में पहले स्टडी होने से पहले आप कितना जानते थे? 100 में से 10%, 5%, 100%, 90%, कितना जानते थे आप? 10%। हमको इतना पता था ना कि निमरोध है, लेकिन उसकी हरकतें नहीं पता था। क्या 200-300 सालों में मसीह समाज को इस आदमी के बारे में सिखाया? नहीं सिखाया। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं सिखाया। अच्छे अच्छे पास्टरों ने नहीं सिखाया। अब मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दानियल के हिसाब से कि अंत के दिनों में, आगे बोल दो अगर पता है, ज्ञान बढ़ेगा। और ये अंत के दिनों में परमेश्वर अपना ज्ञान बढ़ा रहा है। तो लिखा है कि निमरोध एक ऐसा व्यक्ति था जिसके नाम का अर्थ होता है विद्रोह करना। लिखा है ये पेधाम छेम। अब पुस्तक आ गई है जशेर,
और आप सभी जानते हैं ये जो पुस्तक है जिसका नाम है जशेर, ये पुस्तक यहूदियों को अच्छे से पता था, क्योंकि एक तरफ मूसा लिख रहा है, लिखते लिखते जोशुआ के पास पहुंचा चैप्टर 10 में, अगर आपको याद होगा चैप्टर 10 में जब सूरज रुक जाता है, चैप्टर 4 या 5 में से कहा, एपिसोड 4 या 5 में से कहा था आपको, जब सूरज 4 घंटे तक रुक जाता है तो यह कहता है कि ऐसी ही घटना एक आदमी और लिख रहा है, और वो पुस्तक का नाम है जशेर, हिंदी इंग्लिश में जशेर और हिब्रू में याशेर, याशार या याशेर, याशार इनफैक्ट। तो उसकी पुस्तक चैप्टर 5 वर्स 35 में लिखा है कि तब नूह ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार मत्तूशेले के पुत्र एलियाकीम की तीन बेटियों को अपने पुत्रों के लिए ब्याह लिया। तो ये जो तीनों बेटे हैं नूह के, इनकी जो वाइफ थी वो मत्तूशेला के बेटे की बेटियां थी। लेकिन मूसा नहीं लिखता इसको, सोच के देखिए आप यहां कौन कौन है जो इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं। ओके, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, क्या आप इंग्लिश बाइबल को जानते हैं? कम से कम ये बता दो। ओके, कितने ट्रांसलेशन है उसमें? कम से कम 80 से भी ज्यादा, और सबसे फेमस कौन सा है? KJV, किंग जेम वर्जन। लेकिन 15 सेंचुरी में या 15 एंड 16 सेंचुरी के बीच में एक ट्रांसलेशन आया था जब आपका KJV नहीं था, उसको कहते हैं जिनेवा, जिनेवा ट्रांसलेशन, जिनेवा बाइबल। तो जिनेवा बाइबल 15 सेंचुरी में, सोच के देखिए आप, तब चैप्टर्स नहीं होते थे, चैप्टर्स जैसे अभी हम कहते ना मत्ती की किताब अध्याय 5, मत्ती की किताब अध्याय 10, ये अभी आए हैं, पहले नहीं थे। लेकिन जिसने ट्रांसलेशन किया उसने सबसे पहले ऐड किया कि बाइबल को पढ़ने के लिए आसानी हो, चैप्टर्स बनाओ। तो किस किस को चैप्टर में डिवाइड करें, ये 15 सेंचुरी में आया। और चैप्टर के बाद में कौन सा वचन जिसपे जोर दे के बात कर सकते हैं, आज आसानी से हम बोलते हैं यीशु ने जगत से, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, बोला कहां लिखा है, जाके ढूंढो यूहन्ना में। हे पागल, यूहन्ना में कहां से ढूंढे, इतना बड़ा किताब है, कम से कम 21 चैप्टर का किताब है, यानी कि इतना मोटा है, उसमें कहां ढूंढे। तब जिनेवा कहता है चैप्टर 3:16 में ढूंढो। वाह, थैंक यू, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद पता चलता है, तो ये आपके लिए फायदा, ये आपके लिए फायदा हुआ, ऑफ कोर्स हुआ। वैसे ही कुछ हिस्ट्री की बातें हम नहीं जानते थे, लेकिन अगर किसी ने लिखी और वो हम तक पहुंचती है, अगर हम उससे सीखते हैं और बाइबल से मैच करते हैं, अगर मैच होती है तो सीखने में बुरा क्या है। जिसको जोशुआ खुद कहता है कि जाके देखो याशार की किताब में लिखा है, तो हमने देखा और मुझे मिला। इसको कहते हैं कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज, जिसको कहते हैं कि जो ओरिजिनल था उसकी कॉपी, फिर उस कॉपी की कॉपी, फिर उस कॉपी की कॉपी। और आप जानते हैं कि जो बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनली ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू, न्यू टेस्टमेंट ग्रीक, उसके बाद में भाषाओं की शुरुआत हो गई, लैटिन है, अरामिक है, संस्कृत है, और भी कई ट्रांसलेशन, और आपके पास पहुंची है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती। वाह, कैसा लग रहा है। तो कुछ चीजें जो बाइबल नहीं लिखी उस वक्त के लोगों ने लिखी। सब लोग ठीक, कैसा लग रहा है? या तो लिखता है कि इसकी तीनों की जो बेटियां, माफ करना, इन तीनों की जो बीवियां थी, नूह की जो बहुएं थी, वो मत्तूशेला के बेटे एलियाकीम की बेटियों से शादी किया है। क्या इंफॉर्मेशन है। हाँ, जिस बेटियों से इनकी शादी हुई, तो ये बेटे जब बच्चे पैदा किए तो उसके बच्चे हुए 7, जब इस व्यक्ति ने पैदा किए बच्चे तो इसके बच्चे हुए 4, जब इस व्यक्ति ने पैदा किए तो इस बच्चे हुए इसके 5। लेकिन इन सब बच्चों के जो नाम रखे गए वो रखे गए शहरों के हिसाब से। तो आप यहां पे देख सकते हैं कूश, अगर आपको पता होगा कूश एक व्यक्ति था जो रथ पर चल रहा था और यशाया की किताब पढ़ रहा था, और फिलिप को परमेश्वर ने बोला जाके उसको पकड़ो, क्योंकि वो पढ़ तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है वो कौन से देश का था। आज की तारीख में ये कुश कौन है? इथोपियंस, इथोपिया,
आपके गूगल पे जाके देख सकते हैं आप। और जो इथियोपियंस, जो इथियोपियंस होते हैं वो काले होते हैं, ब्लैक, या तो ठीक, तो उसके बाद में कौन सा है, लिखा है उसका कुश, मिस्र, इजिप्ट। उसके बाद में आता है फूत, ये एक शहर का नाम है, और फिर लास्ट में है कनान, जिसको श्राप देता है नूह, यहां तक ठीक। और वैसे ही इन सब के नाम, और वैसे ही इन सब के नाम, तो जिस जिस बच्चों को पैदा किए उनके हिसाब से जो बच्चों के नाम होते थे वो होते थे शहरों के हिसाब से। और ये कुछ ऐसा है, ये एक लाइन जिसको कहते हैं हम, ये है ये जफेद, ये फेद, और वो हो गया यूरोप। और ये चित्र आपको अगर समझ में आ रहा होगा, ये है रोम, रोम। यीशु को जहां क्रूस पे मारने की आज्ञा थी वो रोम से आई, पतरस को उल्टा क्रूस पे लटकाया वो रोम में था, पौलुस को गर्दन काट दिया वो रोम में था, सबसे ज्यादा टॉर्चर रोम में हुआ, और रोम का ही एक एम्परर जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, उसको प्रभु ने बदला तीसरी सदी में, और वहां से लीगलाइज हुआ क्रिश्चियनिटी। लेकिन हम क्रिश्चियंस नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं इसके लाइन से आता है अफ्रीका, इथियोपियंस, लेकिन इसके कुछ बच्चे पैदा हुए जो कि काले नहीं थे, घोड़े थे, और वो पहुंच गए इजिप्ट। लेकिन इसको देखिए आप, जिसका नाम है शेम, ये देखो शेम, ये मिडल ईस्ट पहुंचता है जहां पे अपना यीशु पैदा होता है, मिडल ईस्ट, जॉर्डन, बेथलहम, यरूशलेम, और साथ ही साथ आपका उसमें आता है एशिया, यानी कि भारत, जहां आप अभी बैठे हैं, यानी कि इंडिया, इस व्यक्ति के लाइन। और शेम का लाइन से ही अब्राहम आया, और अब्राहम के लाइन से ही जोसेफ आया, यूसुफ, और यूसुफ के लाइन से आया दाऊद, और दाऊद के लाइन से आया अपना यीशु। क्या बात है, यहां तक ठीक। अब फिर पूछ रहा हूं, क्या बाइबल आपको जिंदा होते हुए दिख रही है, क्या दिमाग की बत्ती जल रही है? जिसको आप कहते थे ना इतनी मोटी बाइबल को कैसे पढ़े, बड़ा बोरिंग लग रहा है, अब बताओ बोरिंग है, कितना आसान हो गया, ऐसे समझ जाओगे आप। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद। बस ओके, तो इस वक्त मैं समझता हूं कि मेरे पास में काफी टाइम है, मेरी घड़ी में अभी 5 बज रहे हैं, हमारे पास काफी टाइम है, तो मैं यहां से एक स्टेप आगे जाऊंगा और इसी व्यक्ति के साथ आज का जो स्टडी है, यानी कि एपिसोड नंबर 6, उसको मैं खत्म करूंगा। और वो व्यक्ति का नाम है निम्रोद, जो यीशु के 1751 BC में पैदा हुआ, 1751 BC में पैदा हुआ, जो कि हमको इतिहास से पता चला। सब ठीक, इस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें आपके बीच में रखने से पहले, ये वो व्यक्ति था जिसको बाइबल कहती है कि शिकारी, शिकारी, शिकार खेलने वाला। ये किसका शिकार करता था, जानवर का तो करता था, इंसानों का, इंसानों का, ये ऐसा शिकारी था। तो जिसके लिए जो कनेक्शंस आते हैं वो आते हैं ये दो सबसे ज्यादा मेजर जो कंट्रीज थे उस वक्त में उनके साथ आते हैं। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं खूब शेयर करिए, खूब शेयर करिए जी, सबसेट। सबसे पहला आता है अशेरियंस, और उसके बाद में आता है बेबीलोनियंस। ये दो इंपॉर्टेंट क्यों, अगर किसी को पता होगा, नीचे लिखा है द डिवाइडेड किंगडम, अगर आपको याद होगा, सबसे पहला राजा शाऊल इजरायलियों के लिए, दूसरा राजा दाऊद, तीसरा राजा सुलेमान। उसके बाद जो राजा आए, आपको पता है कि 39 किंग्स वर देयर, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और टोटल जो किंग्स थे इजरायलियों पे राज करने वाले वो थे 42। तो सबसे पहला बिगड़ा, लेकिन दाऊद अच्छा, उसके बाद जो राजा आया सुलेमान, वो सबसे ज्यादा बिगड़ा। और कैसे बिगड़ा, इसकी टीचिंग आपको मैं दे चुका हूं, किंगडम और 31st नाइट, ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को दिया था। तो उस वक्त में जिसको कहते द डिवाइडेड किंगडम, एक टुकड़ा हो गया 10 का और एक टुकड़ा हो गया 2 का। वो कौन सा टुकड़ा जो 2 का अलग हो गया, एक है जूड और दूसरा है बेंजामिन, जो कि आगे जाके एक हो गए।
जिसको कहते हैं एक के ऊपर एक राजा, दूसरे के ऊपर दूसरा राजा। जो दूसरा राजा था जरोबाम, उसके पास में कम से कम 10 ट्राइब्स थे, 10 गोत्र। उन सबको बंदी किसने बनाया? बंदी गुलाम अशेरियंस ने। जो झूठा था उसको 70 साल के लिए गुलाम किसने बनाया? बेबीलोनियंस वालों ने, जिसको कहते हैं नबूकदनेस्सर राजा। सब ठीक, सबको बात समझ में आ रही है? ये दोनों पैदा कहां से हुए? इन सबको स्टैब्लिश किसने किया? इसी ने, इसी ने। तब जाकर लिखा है कि निमरोद कनेक्शन अशेरियंस एंड बेबीलोनियंस या बाबुल या बेबीलोन, राइट? एक वचन रख रहा हूं, आपको मजा आए। बस जी, आप ठीक है? ओके। लिखा है मीका की किताब 5:6 में, आइए आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि वे अशूर के देश को वर्ण बैठाव के स्थानों तक, निमरोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अशूरी अशेरियंस अशेरियंस अशूरी लोग हमारे देश में आए और उनके सिवाने के भीतर पांव धरे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। किससे बचाएगा? बेबीलोनियन से बचाएगा। ये पुरुष कौन है? किसने कहा यीशु? सही जवाब, सही जवाब। क्योंकि मीका की किताब 5वां अध्याय ऊपर से पढ़ोगे तो यीशु की प्रोफेसी हो रही है कि हे एप्रता, तू जो छोटा है, तुझ में से एक पुरुष निकलेगा। और वो पुरुष कौन है? ऑफ कोर्स। तो यीशु किसको मारेगा? बेबीलोनियंस को। किसका राज्य खत्म करेगा? बेबीलोनियंस का। ये बेबीलोनियंस इतना स्ट्रॉन्ग, इस व्यक्ति ने इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया? क्योंकि ये सिलसिला यहां तक तो पहुंचा, लेकिन ये पहुंचा प्रकाशित वाक्य 17 और प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय। और आपको पता है इसको नाम क्या दिया है? ये दोनों चैप्टर ने इसको नाम दिया हेरोड, 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 या जो भी, जिसका अर्थ होता है व्यभिचारिणी औरत। माय गुडनेस, और भी गहरा नाम है लेकिन यहां नहीं बोल सकता। कितने लोग समझ रहे हैं? ताली नहीं चाहिए। मैंने पूछा कितने लोग समझ रहे हैं? अब आपको पता चल रहा है कि लूसीफर व्यक्ति को यूज करता है, व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसका बोया हुआ बीज आगे तक चलता है। और देखो कहां तक चल रहा है। इसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन लूसीफर ने इसको इस तरीके से यूज किया। यहां तक ठीक? अब इस व्यक्ति ने ये सब तो शहर स्थापित किए, लेकिन आपको एक और शहर की बात बताता हूं, और वो शहर है निनवे। लिखा है कि निमरोद ने इस शहर को भी बसाया था, जिसको कहते हैं ग्रेट सिटी ऑफ आइडल वर्शिप। जो परमेश्वर इस शहर से इतना दुखी था कि परमेश्वर ने एक नबी को भेजा जिसका नाम था योना, और उसको कहा कि जाकर इनको वार्न करो, 1,20,000 लोगों को जाके वार्न करो, अगर ये मन फिराते हैं तो बचा लूंगा, लेकिन अगर मन नहीं फिराएंगे सदोम और गोमोरा की तरह, आपको याद होगा। लेकिन अच्छी बात क्या थी? 1,20,000 लोगों ने, जैसे योना ने प्रचार किया, ऐसा लिखा कि ठाट ओढ़कर राख में बैठ गए, बच्चे बूढ़े औरत जवान नौकर राजा सबके सब सड़क पे, और ऐसा पश्चाताप किया, परमेश्वर ने बचा लिया। वाह, तो सोच के देखो उसके प्रचार में कितना दम था। किसके? योना के। यू अंडरस्टैंड? ऐसे लोग चाहिए अपने को, अपने को लल्लोपद्दो वाली बातें करने वाले रखने चाहिए। मेनू प्लेट शुगर कोटिंग है ना, वो नहीं चाहिए, डंके की चोट पे बात करने वाले चाहिए। सब ठीक? तो इस शहर को कुछ ऐसे बनाया था। इसको भी पढ़ते उत्पत्ति 10:11 में, उस देश से वह निकलकर, कौन? निमरोद। उस देश से निकलकर अशूर को गया, निनवे, निनवे। और आप देख सकते हैं कि निनवे को कहता है बड़ा नगर, यही है। सोच के देखिए आप कितना बड़ा नगर है। यहां तक ठीक? ओके। अब बात करते हैं इस व्यक्ति की जिसका नाम है निमरोद। लिखा है, शब्द को पढ़िए, लिखा है कि कूश का, उत्पत्ति 10:8 पढ़ रहा हूं, लिखा है कि कूश का एक पुत्र निमरोद नाम का भी था। निमरोद पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। जब बाइबल कहती है शक्तिशाली व्यक्ति था तो सच में था।
वाकई में था। लिखा है कि यहोवा के सामने निमरोद एक बड़ा शिकारी था, इसलिए लोग दूसरे व्यक्तियों की तुलना निमरोद से करते हैं और कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति ये इतना ताकतवर था कि इसकी कहावत चलती थी इसके मरने के बाद। और वो कहावत क्या चलती थी? तो कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों की तुलना निमरोद से करते थे और कहते हैं यह व्यक्ति यहोवा के सामने बड़ा शिकारी निमरोद के समान। अगर आज की तारीख में खली पता है ना, खली अगर ऐसी कुछ हरकत करे तो हम क्या बोलेंगे? अरे ये तो निमरोद टाइप है, यू अंडरस्टूड। तो उस वक्त में ऐसा होता था, जो कोई ऐसा शिकारी होता था कहते अरे ये तो निमरोद टाइप है, ये तो निमरोद जैसा है, यू गॉट इट। तो सोच के देखे कि पूरी पृथ्वी पर आदमी कितना फेमस हो गया होगा। व्हाट्सएप पे यही, न्यूज में यही, सुबह का अखबार में यही, टीवी चैनल पे यही, आज की भाषा में या इतना फेमस था। कैसे हुआ वो भी बताऊंगा। लिखा है कि निमरोद का राज्य शिनार देश में बाबुल अरेक एक कद प्रवेश प्रदेश में आरंभ हुआ। तो ये सब वो जगह थी, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जिसको कहते हैं शिनार। ओके, यहां पे इसने सब कुछ बनाया, अपना टावर, अपना नगर, अपनी दहशत, अपनी आइडल वर्शिप, सब कुछ यहां से शुरू होता है। और अब्राहम भी यही था। सब लोग ठीक है ना? ओके, मैं यूं ही पूछ रहा हूं, बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? ये सब बातें हुई हैं बाइबल के अंदर। ओके, अब बात करते हैं जशेर की पुस्तक। आइए इसके हिसाब से अब पढ़ते हैं, क्योंकि इसको यहूदी लोग जानते हैं और उस वक्त में जो घटना घटी थी उन्होंने रिकॉर्ड की है, इसलिए रख रहा हूं और बातें मिल रही हैं, ठीक है ना। लिखा है कि और उन्हीं दिनों में हाम का पुत्र नूह का पोता कूश ने बुढ़ापे में स्त्री ब्याह ली। तो किसने शादी की? कूश ने। कूश किसका बेटा है? हाम का। निमरोद का बाप का नाम क्या है? कूश। यू गॉट इट। तो कूश ने शादी कब की? लिखा है बुढ़ापे में। सोच के देखिए, शादी होती है जवानी में। इसने किया होगा, लेकिन बच्चे पैदा किए तभी भी, और मरने से पहले एक ऐसा बच्चा पैदा किया जो कहता है कि इसके बुढ़ापे का बच्चा है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि बुढ़ापे में स्त्री ब्याह ली और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उन्होंने ये कहकर उसका नाम, आगे पढ़ लो, निमरोद रखा। वह उस समय मनुष्य फिर बलवा करने लगे। ओके, ये जो शब्द है ना बलवा, इसको कहते हैं कि निमरोद जैसे ही पैदा हुआ, जो नूह के वक्त में जो पृथ्वी पर पाप होता था वो फिर से रिपीट हो गया। तो लिखा है कि फिर से बलवा करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया। लड़का कौन? निमरोद। लड़का बड़ा हो गया, उसका पिता उससे बहुत प्रेम रखता था, आगे पढ़ो, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। आदमी बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। लूसीफर कहता है कि मरने से पहले बच्चा पैदा करके जा मेरे लिए। सोच के देखिए आप, बुढ़ापे का बेटा है ये, लास्ट बेटा, आखिरी बेटा, सब ठीक। अब इस बेटे के साथ वो क्या करता है आप सुनना चाहोगे? कौन? कूश अपने बेटे निमरोद के साथ क्या करना चाहता है, करता है, सुनना चाहते हो? ओके, लिखा है कि खाल के जो वस्त्र परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए बनाए जवे बाटिका से निकले थे, वे कूश को दे दिए गए। ये कौन सा कपड़ा है? अदन की वाटिका में जो कपड़े के बगैर पेड़ के पीछे छुप गया था, और उसके शरीर ने उससे कहा अंजीर के पत्ते जोड़कर बना ले, क्योंकि तू बेशरम दिख रहा है, तू ठीक नहीं दिख रहा है। तब परमेश्वर ने कहा कि ओके आदम तू कहाँ है? उसने बोला तेरा आवाज सुन के मैं डर गया था। तो ये जितनी भी नेगेटिव चीज है उन सबको ठीक किसने किया? उसके शर्म को किसने ढका? उसके जोर से उस कपड़े ने। वो कौन सा कपड़ा था जो परमेश्वर ने टेम्पररी ब्लड, एक जानवर को मारा, एक भेड़ को मारा,
एक बकरे को मारा, उसका जो कपड़ा था जिसके अंदर लहू लगा था उसको पहनाया, और जैसे ही उसने पहनाया उसका सब चला गया जो उसको पहले तकलीफ देता था। तो इसको ऐसे कह सकते कि कपड़े ने इसको फिर से खड़ा किया मजबूती में। तो वो कपड़ा फेमस हो गया था, और आदम और हव्वा का वो कपड़ा कूश को दे दिया गया था। अब सवाल उठता है कैसे, सिर्फ पूछो कैसे, और जो यहां पे देख रहे हैं उनको भी पूछूंगा कैसे। और वो यूं ऐसे लिखा है कि क्योंकि आदम और उसकी पत्नी के मरने के बाद वे वस्त्र येरेद के पुत्र हनोक को दिए गए थे। ये हनोक कौन है? ये हनोक वही है जो परमेश्वर के साथ चला 65 साल में। इसको समझ आ गया सच्चा परमेश्वर कौन है। 65 साल से लेकर 365 तक, यानी कि टोटल 300 साल परमेश्वर के साथ में चला। और हनोक की बात भी बाइबल में, जो यूदा की पुस्तक में यूदा कहता है कि हनोक ने यीशु मसीह को देखा आते हुए लाखों के साथ, जिसको कहते हैं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको कैसे पता चला हनोक को, और यूदा को कैसे पता चला? तो इसका मतलब है कि जैसे जशेर की एक पुस्तक है वैसे हनोक की भी एक पुस्तक है। हम उसको इतना तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आपके 66 पेंटिकॉस्टल बाइबल, माफ करना पेंटिकॉस्टल बोल रहा हूं, प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं जोड़ा है। लेकिन कैथलिक के बाहर बाकी, और यहूदियों की जो किताबें हैं और जूश की जो बाइबल है ना, उसका जो ऑर्डर है ना किताबों का, वो आपके पेंटिकॉस्टल क्यों आ रहा है, प्रोटेस्टेंट बाइबल से नहीं मैच करता है। उसका ऑर्डर अलग है, इनका ऑर्डर अलग है। फिर कभी रखूंगा उसको, यहां तक ठीक। तो कपड़ा किसके पास पहुंचा? अनोक के पास। अनोक के पास किसके बाद पहुंचा? अनोक के बाद में लिखा है मत्तूशैले के पास। और मत्तूशैले के बाद किसके पास पहुंचा पता है? मत्तूशैले के मरने पर लिखा है कि नूह उन्हें कपड़े उन्हें पकड़कर जहाज में ले गया, और जब तक वो जहाज से बाहर ना निकला तब तक वे उसके साथ रहे। तो इसका मतलब है कि नूह और हव्वा का कपड़ा जिसको पहनकर उनको ताकत आई थी खड़े रहने की और परमेश्वर से बात करने की, इसका मतलब है कि कपड़े में सामर्थ्य था जो प्रभु ने डाला था कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, जो आदम के ऊपर कपड़ा ओढ़ा था, जो हव्वा के ऊपर कपड़ा ओढ़ा था या उसका शर्म छुपाया था, अगर उनको ताकत मिली थी तो सोच के देखो यीशु का कपड़ा जो आपको और हमको मिला है। इसलिए लिखा है कि उसने हमको ढका है अपने धार्मिकता के कपड़े से। वाह, कैसा लग रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं। नूह के जहाज में वो कपड़ा था, लेकिन आपको पता है उसी जहाज में ये लड़का भी था जिसका नाम है हाम, जिसका एक बेटा हुआ कूश, उसका एक बेटा हुआ बुढ़ापे में निम्रोद। आइए देखते क्या लिखा है। उनके बाहर जाते समय हाम ने वे वस्त्र अपने पिता नूह से छुरा लिया, उनको ले जाकर अपने भाइयों से छिपा दिया, और ये तब तक छुपा के रखा जब तक कूश पैदा नहीं हुआ। और जैसे कूश पैदा हुआ, आइए पढ़ते हैं, उसको दिया। तो लिखा ये पढ़ते, जब हाम का पहलौटा कूश उत्पन्न हुआ तब उसने उसे गुप्त वस्त्र दिए, और वो बहुत दिन तक कूश के पास रहे। अब इसको पढ़ो, और कूश ने उनको अपने बेटों और भाइयों से छिपा रखा। जब कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ तब उसने उसे प्रेम करके उसे वे वस्त्र दिए, और निम्रोद बड़ा हुआ और वो जब 20 वर्ष का हुआ तब उसने वस्त्रों को पहन लिया, और जब निम्रोद ने वस्त्र पहन लिए तब वह बलवंत हो गया। वो बलवंत हो गया, 20 साल का लड़का निम्रोद कपड़े पहनकर बलवंत हो गया। परमेश्वर ने उसे शक्ति और सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने दी अपने परमेश्वर ने दी शक्ति और सामर्थ्य दी, और वह पृथ्वी पर पराक्रमी शिकारी बन गया, और उसने उन पर यहोवा के सामने पशुओं को चढ़ाया। इसका मतलब है कि जैसे नूह ने सैक्रिफाइस किया था आराधना, वैसे 20 साल का लड़का निम्रोद भी सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहा था। कब तक? जब तक उसके ऊपर कपड़ा था। क्योंकि आगे ये आदमी बदलेगा अभी। जब तक यीशु का कपड़ा आपके ऊपर है तब तक तुम सही हो, लेकिन जिस दिन वो कपड़ा हट गया, गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है? वाह,
ये पढ़ते हैं, लिखा है कि निमरोद ने अपने आप को दृढ़ किया, मजबूत किया, और वह अपने भाइयों के बीच में से उठ खड़ा हुआ, अपने भाइयों के चारों ओर के सब शत्रुओं से लड़ने लगा। इसका मतलब है कि अपने भाइयों को कहता है, अपने बाकी सबको कहता है कि अभी मैं हूं, चिंता मत करो, मैंने जो कपड़ा पहना है उससे मुझे ताकत मिली है, अब मैं तुमको सेफ्टी दूंगा, जितने शत्रु आएंगे मैं देख लूंगा। और उसने वैसा ही किया। लिखा है कि यहोवा ने उसके भाइयों के सब शत्रुओं के को उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने समय समय पर उसको युद्ध में सफल किया, पृथ्वी पर राज्य करता रहा। कौन? निमरोद। लिखा है कि इसलिए उन दिनों में यह बात प्रचलित हुई कि जब कोई पुरुष जिन्हें उसने युद्ध के लिए तैयार किया था तो उनसे कहा, जैसा परमेश्वर ने निमरोद से किया जो पृथ्वी पर पराक्रमी आहेर था और लड़ाई में सफल होता था, जो अपने भाइयों पर प्रबल हुआ और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया, उसी प्रकार परमेश्वर हमें दृढ़ करे और आज के दिन हमें बचाए। तो ऐसी कहावत यह भी चलती थी कि जैसे परमेश्वर निमरोद की सहायता करता है वैसे वो हमारी भी करेगा। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि निमरोद कितना ताकतवर हो गया है। यहां तक ठीक? क्या सबको समझ आ रहा है? लिखा है कि जब निमरोद 40 वर्ष का हुआ, इसका माथा खराब हो गया। और मैंने क्या कहा था चैप्टर एपिसोड 3 या 4 में, मैंने कहा था कि लूसीफर कब बिगड़ा, अगर किसी को याद है, लेन देन ये लेन देन के चक्कर में बिगड़ा है। और मैंने ये भी कहा था कि पैसा अच्छा है लेकिन ज्यादा पैसा अच्छा नहीं है, दिमाग में अगर चढ़ गया तो आपको परमेश्वर दूर कर देता है। तरक्की अच्छी है लेकिन अगर वो तरक्की आपके दिमाग में चढ़ गई, सर पे चढ़ गई, तो गई भैंस पानी में। तो इसलिए परमेश्वर को पता है कि कब किसको अमीर बनाना है, कब किसको कितना पैसा देना है, कब किसको तरक्की देना है, कब किसको सफल देना है, सफलता देना है, सक्सेस देना है। आप जाके देखो दुनिया में सफल हो जाते हैं, बाहर की बात कर रहा हूं, संसार की बात कर रहा हूं, सफल हो जाते हैं, इतना सफल हो जाते हैं कि बाद में खुद ही सुसाइड करके मर जाते हैं। तो भाई जब तेरी ऐसी तरक्की तेरे को सुसाइड करने पर मजबूर करिए, नमस्ते, नहीं चाहिए ऐसी सक्सेस। आदमी पहले कुछ नहीं था, सब ठीक था, जैसी तरक्की आई शराबी बन गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? तो लिखा है कि जब ये 40 साल का, आइए इसको पढ़ते हैं सब लोग तैयार। लिखा है कि निमरोद 40 वर्ष का हुआ, उस समय उसके भाइयों और यपेतियों के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि वे शत्रुओं के वश में हो गए। इसका मतलब है कि उसकी जो रिलेटिव से यपेतियों ये नूह का सेकंड बेटा, एक है शेम, यपेत, हाँ ये है यपेतियों, उसके जो बच्चे थे जब शत्रुओं के युद्ध में पड़ गए। ये देखते क्या हुआ, उस समय निमरोद ने निकलकर कूश के सब पुत्रों और उनके कुलों को जो 460 पुरुष थे इकट्ठा किया, अपने मित्रों जान पहचान में से भी कोई 80 पुरुषों को मजदूरी पर रखा, उनको उनकी मजदूरी दी गई, वह उनके साथ युद्ध करने को चला। जब वह मार्ग में था तब निमरोद ने अपने संग चलने वालों के मन को दृढ़ किया, उसने कहा, मत डरो, मैं हूं, वाह, तुम चिंता मत करो, मैं हूं। इसका मतलब क्या है पता है, कि मैं तुमको विजय दिलाऊंगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। जबकि इसको क्या बोलना था, परमेश्वर है तुम्हारे साथ। ये फर्क होता है। आपको जब माथा खराब हो जाए तो आप क्रेडिट लेना शुरू करते हो, जबकि क्रेडिट देना चाहिए परमेश्वर। यहां पे सब जितने देख रहे हैं सुन रहे हैं आप लोग इस बात को समझे। तो लिखा है कि उसने अपने मन वालों साथ वाले के मन को दृढ़ किया, उसने उनसे कहा, मत डरो ना घबराओ, क्योंकि हमारे सब शत्रु हमारे हाथ में कर दिए जाएंगे, तुम जो चाहो उससे करो, ये सब के सब हमारे हाथ में आ जाएंगे। आगे सुनते हैं, जो पुरुष गए वे सब लगभग 500 थे, 460 और 80 के आसपास थे। लिखा है कि वे सब लगभग 500 थे और अपने अपने शत्रुओं से लड़े, उनको नाश किया और अपने वश में कर लिया। और निमरोद ने उनके स्थान पर उनके ऊपर सरदार रख दिया। किसके ऊपर? जिनके साथ वो गया था कैप्टन बनकर, जो उसको सपोर्ट करते थे उनके ऊपर उसने एक लीडर को रखा। सब ठीक? जिसको पकड़ कर लाए थे उनके साथ क्या किया, देखिए।
लिखा है कि उसने उनके कुछ बालकों को शरण में ले लिया और वे सब निमरोद और उसके भाइयों के दास हो गए। इसने क्या किया, जिसको पकड़कर लाए थे, कैद करके लाए थे, उनके लड़कों को, यंग गर्ल्स एंड बॉयज को अपने लिए नौकर बना लिया। सब ठीक या फोकस करिए, वचन 39 लिखा है कि जब निमरोद अपने शत्रुओं पर विजय पाकर आनंद से युद्ध से लौटा, जरा शब्द को ध्यान देना, लिखा है तो उसके सब भाई जो लोग उसे पहले जानते थे वे उसे अपने ऊपर राजा बनाने के लिए इकट्ठे हुए, उन्होंने उसके सिर पर राज मुकुट रखा। इसको कहते हैं कि पृथ्वी पर पहला राजा अगर कोई बना पब्लिक के डिमांड पे, वो था निमरोद। अभी तक क्या पता था पहला राजा कौन है, शाऊल। पहला राजा था निमरोद, और राजा किसने बनाया, पब्लिक ने, उसके खुद के लोगों ने। आगे सुनते, जैसे ही राजा बन गया, आर यू रेडी फॉर दिस, जैसे ही राजा बना लिखा है कि उसने राजाओं की रीति के अनुसार अपनी प्रजा और प्रजा पर हकीमों, न्यायियों और हकीमों के नियुक्त किया, और उसने नाहोर के पुत्र तेरा, ये तेरा कौन है, माय गॉड, अब्राहम का बाप, अभी बताया था ना नाहोर तेरा अब्राहम, तो इसका मतलब ये हुआ कि निमरोद के लिस्ट में तेरा मुख्य आदमी था। और निमरोद को पता है कि जिस दिन तेरा अपना बेटा पैदा करेगा अब्राहम, तो वो भी मेरे काम का होगा। लेकिन परमेश्वर ने इस आदमी जिसका नाम है तेरा, उसका बजा दिया 12। यू अंडरस्टैंड, वो लड़का जो पैदा हुआ ना अब्राहम, उसको चेंज कर दिया। आगे रखूंगा, सब लोग ठीक। तो लिखा है कि तेरा को अपनी सेना का प्रधान ठहराया, उसको प्रतिष्ठित करके अपने सब हाकिमों से अधिक ऊंचा किया। किसको, तेरा को, किसको, अब्राहम के बाप को। यहां तक ठीक, ओके। अब देखना चाहोगे आगे क्या हुआ, आर यू रेडी फॉर दिस। अब तक क्या पता चला आपको कि निमरोद पूरी पृथ्वी पर राजा बन चुका है। पहला क्या था, शिकारी, अब क्या है, राजा। जब शिकारी था तब भी फेमस, अब राजा बना है तो सोच के देखो कितना फेमस। लेकिन ये सब के बीच में उसने गलत हरकत कर दी। आर यू रेडी फॉर दिस। लिखा है कि जब अपने मन की अभिलाषा, इफिसियों 5:10 में क्या लिखा, अगर कोई बता देगा तो आपके पैसे से आपको चाय पिलाऊंगा। इफिसियों 5:10 में लिखा है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इसने क्या किया, इसने कहा कि जो मुझे भाता है मैं वो करूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं, लिखा है कि अपनी मन की अभिलाषा के अनुसार राज्य करता रहा, अपने चारों ओर के सब शत्रुओं को जीत लिया। तब उसने अपने राजमहल के लिए एक नगर बनाने की सम्मति अपने मंत्रियों को दी और उन्होंने वैसा ही किया। इसका मतलब है कि जो बाबुल का टावर था ना, वो नहीं बनाया अभी तक, लेकिन इसने खुद का महल बनाया। तो लिखा है कि एक नगर बनाने की सम्मति की और उन्हें पूर्व की ओर एक बड़ी तराई मिली और उन्होंने उसके लिए एक बड़ा विस्तृत नगर बसाया, और जिस नगर को उसने बसाया उसका नाम निमरोद रखा, क्योंकि यहोवा ने अपने शत्रु, इसको अपने करना याद दिलाना, अपने शत्रुओं को अत्यंत घबरा कर नाश किया। तो जिस नगर को बनाया उस नगर का नाम क्या रखा, निमरोद, खुद के नाम से। और मर्सी किसकी, अपनी खुद की। और जब दूसरों को इनकरेज करा कि हम जीत सकते हैं तो क्रेडिट कौन ले रहा, खुद। ये जो शब्द है ना, खुद का, मैं, ये कौन करता था, शैतान। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं यहां, मैं वहां, बिगड़ा। सब ठीक, सब सुन रहे हैं ना ठीक से, कैसा लग रहा अभी तक, वाह। बेड़ा गरक हुआ इस आदमी का, ओके। जैसे ही उसने नगर बनाया उसने नाम रखा निमरोद, लेकिन जो जगह थी ना, वो जगह का नाम पढ़ो क्या लिखा है, लिखा है शिनार। इस जगह से तबाही आई है, तबाही,
तो लिखा है कि निम्रोद शिनार में रहने लगा, निडर होकर राज्य करता रहा, अपने शत्रुओं से लड़कर उनको वश में कर लिया, सब युद्धों में कृतार्थ हुआ, मतलब फेमस हो गया, हिंदी में ऊपर नीचे हो सकता है, उसका राज्य बहुत बड़ा हो गया। लिखा है कि सब जातियों और भिन्न भिन्न भाषाओं के लोगों ने उसकी कीर्ति सुनी। ये कौन सा चैप्टर है? मैंने क्या कहा था, उत्पत्ति का 10 को लिखा है 11 के पहले। जशेर भी क्या कह रहा है, जो टावर में भाषा में गड़बड़ी आई थी ये उसके पहले, माफ करना, उसके बाद की घटना है, लेकिन जो पहले हुआ है वो टावर नीचे गिरा है या भाषा में गड़बड़ी है, तो ये आगे की बात को कर रहा है। मैं आऊंगा उसके ऊपर और वो उसी से खत्म करूंगा, सब ठीक। तो लिखा है कि जाति और भिन्न भिन्न भाषाओं के लोगों ने उसकी कीर्ति सुनी, उसके पास इकट्ठे हुए पृथ्वी पर, जीसस क्राइस्ट, लिखा है कि पृथ्वी पर गिर के उसको दंडवत किया, उसको गिरकर दंडवत किया, उसके लिए भेंटे लाई और वह उनका स्वामी हो गया। तो पहला क्या था, शिकारी, फिर बाद में क्या बना, राजा, अब क्या बन गया, स्वामी। को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास्टर। मैथ्यू चैप्टर 5 नहीं पढ़ना, वर्स 23 ऑनवर्ड्स या 24 लिखा है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। एक मास्टर है प्रभु और दूसरा मास्टर है पैसा, याद आया कुछ? तो पहला था शिकारी, बाद में बने राजा, अब बन गया है स्वामी। और ऐसा स्वामी बना है कि कहता है कि जो भी आए मेरे पैरों को छुए। यही तो लिखा है कि गिरकर उसको दंडवत करते थे, और यही वजह है, जो यहां सुन रहे हैं उनको भी बोलना चाहता हूं, किसी पास्टर के पैर नहीं छूना है, किसी पास्टर के पैर नहीं छूना है, क्योंकि योना ने पैर छुआ था स्वर्गदूत का। प्रकाशित वाक्य 19:10 नहीं पढ़ना, उसको डांट लगाई, खबरदार मैं भी तेरी तरह हूं, अगर किसी की आराधना करनी है, अगर किसी का पैर छूना है, मां बाप का पैर छू सकते हैं, यस, आदर से, बड़े भाई का पैर छू सकते हैं, यस, सास और ससुर का पैर छू सकते हैं, यस, किसी बुजुर्ग का पैर छू सकते हैं, यस, लेकिन किस रूप में, आदर। पास्टर का पैर छूने का आदर का क्या कनेक्शन है? और पास्टर को खुद तो समझना चाहिए कि मैं अपने पैर क्यों छुलवा रहा हूं, छुलवा रहा हूं। अभी आप लोग मुझे मिले थे नीचे, सोच के देखिए भाई साहब, आप मेरे को नीचे मिले, मैं बाथरूम में, आप बाथरूम में, और ये मेरा पैर छू रहे। आप ऐसा नहीं करोगे, मैं बता रहा, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं भी तो वही कह रहा हूं, और मैं आपको करने भी नहीं देता। सोच के देखिए बाथरूम में चल क्या रहा है, और जब मैं यहां पे पूछता हूं, जैसे सचिन भाई और सिस्टर रोसी आते, पास्टर जी सख्त करके मिलना चाहिए, बोला क्या हरकत है, कितने लोग समझ रहे हैं, किसी पास्टर का पैर नहीं छूना है, पास्टर हो, लीडर हो, अपोस्टल हो, पता नहीं क्या क्या नाम है, यू अंडरस्टैंड, मैं पास्टर हूं काम का, नॉट नाम का। और यही वजह है कि मैंने अपने नाम के पहले पास्टर लिखना बंद कर दिया है। मेरी लड़की मेरे को बोलेगी पास्टर डैनियल आ गया ऐसा बोलेगी, या पप्पा आ गया ऐसा बोलेगी। सोच के देखिए पास्टर का नाम का मतलब क्या होता है, काम कर भाई, परमिशन है, 5-fold मिनिस्ट्री दिया है काम करने के लिए, नाम रख के घूमने के लिए नहीं दिया है। नाम से घमंड आता है, नाम से घमंड आता है, और अपने को नहीं चाहिए बाबा घमंड, क्योंकि हम बहुत कुछ देख चुके हैं, यू अंडरस्टैंड। पहले कोई अगर पास्टर नहीं बुलाता था, हे डैनियल, तो ऐसा लगता था खबरदार, वापस मेरे को ऐसा पास्टर लगा, अभी आ कल आया, नहीं चाहिए भाई तू, मेरे को डैनियल भी मत बुला, ए इधर आ, ऐसा चलेगा, यू अंडरस्टैंड। वाह, यहां तक ठीक। तो लिखा है कि वह उनका स्वामी और राजा हो गया। अब इसके चक्कर में अगले टाइम से आपके पास्टर को ऐसा सब मत बुलाते बैठो, जो लोग यहाँ बैठे बोलेंगे विकास जी, हे विकास इधर, नहीं क्या नाम है ना विकास ना, हे विकास इधर, पास्टर विकास जी बोलेंगे क्या करके गए डैनियल भाई तुम, ऐसा मत करो। हाँ,
मैं जो बात कर रहा हूं समझ जाओ। ओके, तो लिखा है कि वह उसका स्वामी और राजा हो गया। वे सबके साथ न घर में रहने लगे। शिना और निमरोद ने पृथ्वी पर नौ के सब पुत्रों पर राज्य किया। एक बात बोले कैंसल, एक बात पूछे, क्या यहां नू जिंदा है? क्या नू यहां जिंदा है? यस, जिंदा है। 350 साल। लड़का कितने साल का है? 20 साल। काम करते करते कितना साल हो गया? 40 साल। उसके बच्चे का जो जन्म है उसको देखो, हमके जो बच्चे हुए ना कुश, उसका एज, इसका एज में आपको पता चलेगा नूह अभी तक जिंदा है। और ये नूह अपनी आंखों में से सब होते देख रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो लिखा है कि नूह के सब पुत्रों पर राज किया और वे सब उसकी शक्ति और सम्मति के अधीन थे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गलत लीडर मिल गया तो अच्छे अच्छों को बिगाड़ देगा। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है कम से कम 400 के आसपास, एक सही लीडर को चुनो, नहीं तो आपका लीडर आपको बिगाड़ देगा। खुद तो बिगड़ेगा, आपको भी बिगाड़ देगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? सब ठीक? आपको पता है बात करते करते 1.5 घंटे हो गए, आपको पता चला? और 1.5 घंटे नहीं पता चलेगा, वक्त का ध्यान रखें। जैसे ही चाय वाला अंदर आया मैं समझ जाऊंगा कि टाइम हो गया है। ओके, तब तक बैठ के सुनते रहिए। सब लोग ठीक? पड़ोस वाले को कोनी मारो और उनको पूछो मजा आ रहा है। लिखा है कि नूह के सब पुत्रों पर राज्य किया और वे सब उसकी शक्ति के सम्मति में आ गए, मतलब सहमत हो गए। बोला भाई आप जो भी कर रहे हो सही है, जबकि नूह के पुत्रों ने बगावत करना चाहिए था। तुम खुद को पहली बात राजा कैसे बनाए? तुमने खुद को पहली बात स्वामी कैसे बनाए? तुमने खुद के पैर क्यों छुलवाए? नहीं किया। पता है क्यों? जहां ताकत आ जाती है ना, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। लाखों फॉलोवर से गलत कैसे हो सकता है बताओ? यूट्यूब पे बाबा समझ गए ना, हाँ अपोस्तल बाबा, ये बाबा, पास्टर बाबा, ये बाबा, लाखों फॉलोवर से गलत कैसे हो सकता है? अरे भाई लाखों या एक हो, आदमी गलत है, आदमी गलत है। अब इसको पढ़िए 46 में लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 11 पे। अब आपको पता चल रहा है यहां पे भाषाओं का जिक्र था लेकिन अभी शुरू हो रहा है। तो लिखा है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही शब्द थे, परंतु निमरोद यहोवा के मार्ग पर ना चला। कितनी साल में? 40। जब 20 साल तक का लड़का 40 तक पहुंचा तब तक ठीक था, लेकिन जैसी तरक्की आई माथा खराब हो गया। और बिल्कुल साफ लिखा है कि परमेश्वर के मार्ग पर ना चला। लिखा है कि जल पहले के दिनों से लेकर उन दिनों तक जितने मनुष्य उसके पहले थे उन सबसे वह अधिक दुष्ट था। आप नहीं समझे, जो नूह के वक्त में नेफिलियम्स, जो दानव थे ना, जो स्वर्गदूत ने आकर बिगाड़ा, 200 स्वर्ग याद आया कि नहीं आया, जो पृथ्वी को बिगाड़ा ना, उसका यह बाप था। अब आप सोच के देखिए कि इसकी दुष्टता की क्या लिमिट होगी। और ये एक जगह पे नहीं है, पूरी पृथ्वी पर। आगे का सुनना है, अगर निमरोद ऐसा है तो इसका बेटा कैसे होगा? सुनना चाहते हो? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि उसने लकड़ी और पत्थर के देवता बनाए। किसने? लकड़ी और पत्थर के देवता बनाए और उनको दंडवत किया, खुद भी किया, यहोवा से बलवा किया, अपनी सारी प्रजा को और पृथ्वी के लोगों को अपनी बुरी चाल सिखाई। मैंने क्या कहा था? ताकत किसमें? सीखने में। गलत सीखते हैं शिद्दत से और सिखाते भी हैं शिद्दत से, लेकिन जब बारी आती है सही सीखने की, उसको भी सीखना है शिद्दत से। हम यहां पे आके टाइम पास कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया? कुछ 3-3.5 साल से मैं आपको क्या कर रहा हूं? सिखा रहा हूं। सब ठीक? यीशु ज्यादातर क्या करते थे?
सिखाते थे। सोच के देखिए आप, दानियल क्या कहता है 12:4 में, जो दूसरों को सिखाते हैं चमकते तारों की नाई। आपको क्या करना है? पहला सीखना है, दूसरा आपको सिखाना है, क्योंकि बिगड़ रहा बहुत कुछ है, उस बिगड़ती दुनिया में आपको खड़ा होना होगा। आपके पास जो भी नॉलेज है ना, उसको मजबूत करो, उसको और धार करो। धार समझते ना? या इस प्लेनेट पे कोई परफेक्ट नहीं है, कमान यह सुनो, लेकिन हम सबके पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो परफेक्ट है। अगर हम उससे सीखेंगे, वह हमको परफेक्ट बना सकता है। और सोच के देखिए, ये लड़का लड़का 50 साल क्रॉस कर चुका, 50 साल, 5वीं क्लास 3 बार फेल, अगर मैं इस लेवल पे जाकर आपको सिखा सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? और मैं किसकी ताकत से कर रहा हूं? मुझे कौन सिखाता है? तो वही परमेश्वर तो आपके पास भी। तो लिखा है कि इसने पूरी पृथ्वी को सिखाया, उनका पुत्र, माफ करना, उसका पुत्र जिसका नाम है मर्दोन, मर्दोन, उसका पुत्र मर्दोन अपने पिता से भी अधिक। तो बाप किससे दुष्ट था अधिक? नूह के टाइम से। बेटा किससे अधिक? बाप से। अब आप सुनना चाहते हो आगे क्या है? सुनना चाहते हैं आप लोग आगे क्या है? लिखा है कि जितने निमरोद के पुत्र मर्दोन के काम सुने, वे उसके विषय में कहने लगे, दुष्टता, दुष्ट से दुष्टता निकलती है, दुष्ट से दुष्टता निकल, ये कहावत होने लगी, एक प्रकार का डायलॉग होने लगा, क्योंकि निमरोद ने जो हरकत की, लोग उससे परेशान थे, लेकिन सोचा कि जब बेटा आएगा तो वो थोड़ा ठीक करेगा। पता चला बेटा उसका भी बाप, कहते ना शेर तो बेटा सवा शेर। लिखा है कि दुष्ट से दुष्टता निकलती, इस कारण यह सारी पृथ्वी पर कहावत बन गई, सारी पृथ्वी पर यह कहावत बन गई, सब ठीक। लिखा है कि कहावत बन गई, दुष्ट से दुष्टता निकलती है, और वह उस समय से लेकर आज तक, जब यह लिख रहा था ना जशेर, आज तक मनुष्य की बातों में प्रचलित है। बाप रे, फोटो देखना चाहते हो? देख लो, अगर ये बाप था तो ये बेटा ऐसा था। अब ऐसा फोटो नहीं था, लेकिन आपको कनेक्ट करने के लिए रखा हूं। उस वक्त, इस वक्त अगर आप पैदा हुए होते तो आपको मसीह जीवन जीने में आसानी होती? तो सोच के देखो कि आज का जो वातावरण है, उस वक्त की तुलना करें, आज कुछ भी नहीं है, तो फिर डरते क्यों है इस झंडे और उस झंडे वाले से? अगर बात समझ में आ गई, डरते क्यों? जब इस ऐसे टाइम के लोगों को अपने पूर्वज इनको झेल चुके हैं, तो हम क्यों नहीं झेल सकते, और हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं मसीहत को लेकर? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? या अब एंट्री होती है चैप्टर 11 की, क्योंकि अभी तक जो बता रहा था 10 था, ओके? तो एंट्री होती है चैप्टर 11 की। लिखा है पद 1 से 9 तक में बाबुल को बनाने की कहानी, मेसोपोटामिया जिसको कहते हैं शिनार, और ये आता है मिडल ईस्ट में, जिसका नाम है इराक, आज आज की तारीख में। तो सोच के देखिए कि सब कुछ घटा है मिडल ईस्ट में, यीशु का पैदा होना, आदम का, मूसा का, और जिसको कहते हैं परमेश्वर का पर्वत, जिसको कहते हैं माउंट ज़ायन अरब कंट्री में, सब कुछ इधर हुआ है। तो इस क्षेत्र से इस व्यक्ति ने इसको बनाना शुरू किया, जिसको कहते हैं बाबुल का मीनार, गुमट टावर। आगे सीखना चाहते हो? ओके, तो उत्पत्ति की किताब में थोड़ा समझ के जवाब देना, उत्पत्ति के किताब 11 में हम हैं, ठीक है? अगला चैप्टर कौन सा है? 12, कॉमन सेंस है ना भैया, 12। 12वें चैप्टर का पहला वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर की आवाज
एक व्यक्ति के पास पहुंची जिसका नाम है अब्राम। जब परमेश्वर ने अब्राम से बात करी, अब्राम की उम्र क्या थी? 75 साल। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब ये आदमी ये सब हरकत कर रहा है तो क्या अब्राम यहां पर है? ऑफ कोर्स है। क्या नूह यहां पर है? ऑफ कोर्स है। तो एक है नूह और एक है अब्राम। यहां नूह और अब्राम साथ में थे। जब मैं आपको चैप्टर 12 सिखाऊंगा, चैप्टर एपिसोड नंबर 7 में, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि परमेश्वर ने तो उत्पत्ति की किताब में 75वें साल में बुलाया, लेकिन एक से लेके 75 साल तक अब्राम था कहां? यह मैं आपको बताऊंगा एपिसोड नंबर 7 में, और आपको मजा आने वाला है। तो यहां पे आगे बढ़े, ओके बढ़ते हैं। उत्पत्ति 11:1 में लिखा है कि बाढ़ के बाद, कौन सा बाढ़? नूह के टाइम पे, आफ्टर द फ्लड, लिखा है कि बाढ़ के बाद सारा संसार एक ही भाषा बोलता था। कौन सी भाषा? हिब्रू। क्यों? क्योंकि इजराइली कौन थे? हिब्रू। मूसा कौन था? इब्रानी। हिब्रू मतलब उस लैंग्वेज का। तो लिखा है कि एक ही भाषा और एक ही बोली, वन लैंग्वेज एंड वन स्पीच, जिसको कहते हैं कि दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं था, एक ही लैंग्वेज था। ओके, यहां तक ठीक है। लिखा है कि लोगों ने कहा, हम अपने लिए एक नगर बनाए, उत्पत्ति की किताब के हिसाब से। लिखा है कि हम एक बहुत ऊंची, तो यहां पे कितना, एक है कि दो? यहां पे दो है, एक है नगर और नगर के अंदर एक है ऊंची इमारत जिसको कहते हैं घुमट। लिखा है कि बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे जो आकाश को छुएगी। हम लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो पूरी धरती पर बिखरेंगे नहीं, हम लोग एक जगह पर ही एक साथ रहेंगे। तो एकता में ताकत है, लेकिन अगर वो एकता गलत है तो बोलते हैं ना, एकता में ताकत है। पहला एकता को तो ठीक करो, बाद में कपूर को करेंगे, अगर जिसको भी समझ में आ गया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? एक मन होकर उन्होंने कहा कि एक नगर और एक ऊंची इमारत। अब जरा चित्र देख लो, ये लगे पड़े हैं इमारत को बनाने में। उत्पत्ति के हिसाब से लिखा है कि यहोवा नगर और बहुत ऊंची इमारत को देखने के लिए नीचे आया, तो इसके हिसाब से नगर बन चुका है और इसके हिसाब से घुमट बन चुका है। आप ठीक से पढ़ लो, नगर और इमारत यानी कि घुमट बन चुका है और उसको देखने के लिए नीचे आया। और यहोवा ने लोगों को यह सब बनाते देखा, यहोवा ने कहा, मैं सभी लोग, ये सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। किधर गया? एक ही भाषा बोलते हैं, इसलिए आओ हम नीचे चलें, उनकी भाषा को गड़बड़ कर दें, तब ये एक दूसरे की बात नहीं समझ सके या नहीं समझेंगे। इसको कहते हैं कि जब एक भाषा चल रही थी और एक ही बोली थी, तो जिसको कहते थे ईंट लाओ तो वो ईंट ही लाता था। अब आप पूछोगे, मैंने ईंट क्यों कहा, पत्थर क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो इमारत बनी है वो ईंट से ही बनी है, पत्थर से नहीं। और परमेश्वर को ईंट पसंद नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घर आज भी ईंट के ही बनते हैं। अब उसके चक्कर में जाके अपना घर नहीं तोड़ देना। बोला परमेश्वर को ईंट पसंद नहीं है, तोड़ो। मैं आत्मिक बातें कर रहा हूं। एक साथ पूछो, परमेश्वर को ईंट क्यों नहीं पसंद है? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि उसको शेप होता है, शेप आकार, चौकोन आकार। और परमेश्वर कहता है कि आकार तुम नहीं दोगे, आकार मैं दूंगा। जल्दी से एक वचन पढ़ सकते हैं, निर्गमन की किताब उसका 20:25, निर्गमन 20:25। और मेरे को पानी दे सुमन, जल्दी से, तेरे कुर्सी के नीचे रखा है, दे 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 दे, मैं उठ रहा हूं। 20:25, जोर से, एक सेकंड।
और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना। क्या क्या? तुम अगर ईंट की वेदी बनाओ तो तराशे हुए ईंट से ना बनाना, ऐसा लिखा? पत्थरों से। तो पत्थर जोर से बोलो क्योंकि उधर तक जाना चाहिए। तो तराशे हुए पत्थरों से ना बना, तो सबसे पहले वेदी किसकी होगी? पत्थर की, ईंट की नहीं है। लेकिन जिस पत्थर को लाओगे वेदी बनाओगे उस पत्थर को शेप नहीं देना। आगे पढ़ो। क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तू उसे अशुद्ध कर देगा। आप नहीं समझे अभी भी? ओके सिस्टर, रहने दो, सबने पढ़ लिया। ऐसा क्यों औजार नहीं लगाना? अगर उसके ऊपर हथौड़ी चिमनी लगाई उसको शेप देने में तो तुम उसको बिगाड़ दोगे और वो मेरे लिए अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसको शेप कैसे देना है। उसको पता है तो हथौड़ी चिमनी वो चलाएगा, ना कि आप। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो जैसा चर्च में आता है, धोबी वाला, गोभी वाला, चोभी वाला, चोभी वाला, आप समझ गए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, पिछड़ा, अगला, जैसा आता है उसको आने दो। गुजराती वाला फाफड़ा ढोकला, मद्रासी वाले इडली डोसा, मदद करो, महाराष्ट्र में सल पाव वड़ा पाव, मदद करो, मदद करो, और क्या है ये सब कहते हैं। और सिंधी लोग पापड़ और मारते हैं झापड़। मजाक है। जो जैसा है, अगर बुरखे वाले आते हैं तो आने दो, अगर पगड़ी वाले आते हैं तो आने दो, अगर धोती वाले आते हैं, आगे का बोल दिया करो, अगर लुंगी वाले आते हैं तो आने दो, मत बजाओ पुंगी, उसको पहले दो लुंगी। यू अंडरस्टैंड? जो जैसा है। वाह, कैसा लगा? तो लिखा है कि ये जो इमारत बनाते थे ये ईंट की बनाते थे। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? सबका फोकस ओके, जरा ठीक से पढ़िएगा। लिखा है कि घुमट को बनाने वाले तीन झुंड में थे। कितने? तीन। किंग निम्रोद ने जब टावर को बनाने को कहा तो उनके जो ग्रुप थे वो तीन थे, अभी तक पता था सी? और ये कहां से पता चलेगा? ये वाली पुस्तक से। आइए इसको पढ़ते हैं। पहला ग्रुप है जिसने कहा हम स्वर्ग पर चढ़ेंगे और परमेश्वर से लड़ेंगे, नंबर वन। दूसरा कहते हैं कि हम ऐसी चोटी बनाएंगे और उसके ऊपर जो देवता हमने बनाया, याद आया, लकड़ी का, पत्थर का, उसको वहां पे रख के वहां से वर्शिप करेंगे। और तीसरे क्या कहते हैं पता है, हम ऊपर चढ़ेंगे और वहां से तीरे चलाएंगे, तीरे। वाह, ये तीनों के तीनों कैरेक्टर आपको किस में दिखते हैं? निम्रोद में। निम्रोद कौन था? लड़ने वाला, राजा बना। निम्रोद कौन था? मूर्ति पूजक, मूर्ति रखेंगे। लास्ट क्या है? शिकारी, तीर मारेंगे, शिकारी। तो उसने 6 लाख लोग जो बन गए तीन ग्रुप, 2-2 लाख का। अब आप बोलोगे 6 लाख तो बाइबल में नहीं लिखा है, यही तो मैं कह रहा हूं, यह शहर की किताब में लिखा है। ये टोटल कितने थे? 6 लाख। इजिप्ट से कितने निकले? 6 लाख। और ये तीन ग्रुप बन गए आपस में, और तीनों ग्रुप कल्ट थे। परमेश्वर से कैसे लड़ सकते? अपनी औकात है। ऊपर से खुद के बनाए हुए आइडल्स उसको वहां पे रख के वहां से वर्शिप करेंगे और सबको क्या कहेंगे कि हमारा वाला सबसे ऊंचा है। अब आप सोच के देखो, जहां जहां ऊंचा है, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, दिमाग लगाओ, क्या तैयार है सीखने के लिए? सब लोग ठीक? अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही हैं? आइए पढ़ते हैं। लिखा है 9:21 में कि निम्रोद के सब हाकिम हो, उसके सब बड़े लोग ने मिलकर सम्मति की। फूत, फूत याद आ गया, या फूट, इंग्लिश में है फूट, PUT, फूट शहर का नाम है। सोच के देखो, लिखा है कि मित्जराइम, मित्जराइम ये भी जगह का नाम है। तो लिखा है कि कुश, याद आ गया कुश, और लिखा है कि कनान अपने कुलों समेत, और ये सब किसके बच्चे हैं? हाम, 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 ये चारों के चारों आपको पता लग गया होगा, फूत, कुश, कनान।
ये सब के सब उसके बच्चे कुलों समेत एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम अपने लिए एक नगर और उसमें एक गुमट बनाए। तो आपस में 6 लाख लोगों ने आपस में पहला डिस्कशन किया, सब लोग ठीक है ना पीछे, आपस में बैठ के डिस्कशन किया। तो लिखा है कि उसकी चोटी ऐसा गुमट बनाएंगे कि उसकी चोटी, चोटी समझते ना उसका टॉप मोस्ट फ्लोर, चोटी कहां तक पहुंचे, स्वर्ग तक। माय गुडनेस। और ये बना चुके थे, और तब जो आदम के पास दिमाग था ना 100%, ऐसे करते करते नूह तक 40-60%, लेकिन आज हमारे पास पहुंचा जो कि रॉकेट बना के चांद तक जा चुके 10%। सोच के देखो, अगर आज अगर 90% दिमाग होता हम क्या कर जाते दिमाग खराब होता सोच के भी। लिखा है जिसकी चोटी स्वर्ग तक पहुंची और हम अपना नाम बढ़ाएं कि हम राज्य करें सारे जगत पर, इसलिए कि हमारे शत्रुओं की बुराई हमसे दूर हो जाए और हम उन पर सामर्थ्य से राज्य करें, उनके युद्धों के कारण पृथ्वी पर तितर बितर ना हो जाए। इसका मतलब क्या है? दूसरा फोन भी आ गया ऑफरिंग में। चलिए सब ठीक। इनका फोकस क्या था, इनका मकसद क्या था नगर बनाने का, कि हमको सबसे पहला शत्रुओं पर विजय मिलती रहेगी, दूसरा हमको यहां वहां फैलना ना पड़े, और तीसरा है कि हम एक ही जगह पे भटकने के बजाय एक ही जगह पे बैठ के राज करेंगे और वो भी बड़ी शान से। अब एक साथ पूछो ऐसा क्यों, सिर्फ पूछो क्यों, क्योंकि इनको लगता था कि हम लोग कई सालों तक जिंदा रहेंगे, और इनमें से कईयों को लगता था कि हम मरेंगे नहीं। 969 साल का एक आदमी मथुशैला, वो जिंदा था, तो इनको लगा हम भी उतना तक तो पहुंचेंगे, और इनमें से कुछ लोगों को लगा कि हम मरेंगे ही नहीं, क्योंकि अनोक नहीं मरा, उठा लिया गया, तो इनको लगा कि हम भी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हम वैसे भी मरने वाले नहीं है, तो क्यों ना ऐसा कुछ बनाए कि पीढ़ी 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 तक हम राज करते रहे। इनकी ऐसी हालत होने वाली है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सब लोग तैयार? लिखा है कि वे सब राजा के पास गए, उन्होंने राजा को ये बातें बताई, और राजा ने इस विषय में उनसे सहमत होकर वैसा किया। ये राजा कौन है? निमरोध। टॉपिक में बने रहो भैया, ये है निमरोध। तो निमरोध के पास गए और निमरोध ने कहा कि यस ऐसे ही बनाओ। लिखा है कि सब कुल के लोग, जो कोई, अभी क्या कहा था मैंने आपको, तो इनके ग्रुप कितने हो गए? 3। तो एक एक ग्रुप में कितने लोग हैं? 2-2 लाख। सड़क पे 1 लाख निकले, हमारे मुंबई में पहुंच रहे थे कुछ लोग, तो गवर्नमेंट परेशान हो गई थी, याद आया कि नहीं कुछ? 6 लाख लोग सड़क पे निकलेंगे तो क्या होगा सोच के देखिए। माय गुडनेस। लिखा है कि सब कुल के लोग, जो 6 लाख पुरुष थे, इकट्ठे होकर नगर और गुमट को बनाने के लिए बड़ी भूमि ढूंढने को निकले, सारी पृथ्वी पर ढूंढते रहे। कोई इधर तो कोई उधर, कोई इधर तो और कितने साल गए नहीं मालूम। लिखा है ढूंढते रहे और उन्हें पूर्व की ओर एक तराई के तुल्य कोई भूमि ना मिले। इसका मतलब है कि जो उस जगह पर जमीन थी वैसी जमीन बाकी कहीं नहीं मिले। तो लिखा है पूर्व की ओर जो तराई के पास जो जमीन मिली, वो जमीन का नाम क्या था? अभी बताया था, शिनार। शिनार, और वो कहां है? मेसोपोटामिया, इराक आज की तारीख में। तो पूरी पृथ्वी पर घूमे, भारत भी आए थे वो लोग, लेकिन उनको ऐसी जमीन जो पूर्व की ओर है वैसी जमीन उनको नहीं मिले, और फाइनली मिली। तो लिखा है शिनार देश आ गया। शिनार देश लगभग 2 दिन के पैदल दूरी पर था, उन्होंने वहां यात्रा की और वे वहां वहीं रहने लगे। 2 दिन का ट्रैवल कर रहे हैं 6 लाख लोग, टकाक 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 एक लाइन में, ना थक रहे हैं ना बीमार हो रहे हैं, ना इनको बीवियों की चिंता है ना बच्चों की चिंता है। इसको कहते हैं ये लोग साइको हो गए, साइको। इसको कहते हैं कि 6 लाख लोग पॉसेस हो गए, पॉसेस समझते हैं, दुष्ट आत्माओं से पॉसेस हो गए ये लोग,
आगे बताऊंगा कि कैसे पोसेस हो गए, देखना चाहोगे? तो लिखा है कि ये लोग यहां पहुंचे और वहीं पे रहने लगे, और जिस नगर और घुमट को पूरा करने की उन्होंने कल्पना की थी उसे बनाने के लिए वे ईंटें, ईंटें याद आ गया, ईंटें, ईंटें बनाने और आग जलाने लगे, और घुमट का बनाना उनके लिए अपराध और पाप था, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से देख रहा था और वे उसे बनाने लगे। और जब वे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने अपने मन में उसके विरुद्ध लड़ने और स्वर्ग पर चढ़ने की कल्पना की। कितने लाख लोग? 6 लाख। कितने ग्रुप? 3 ग्रुप। आपस में क्या बोल रहे हैं? बनाएंगे, एकजुट होकर बनाएंगे, न दिन देखेंगे न रात, भूख नहीं, पानी नहीं, नींद नहीं, लेकिन बनाएंगे और लड़ेंगे किससे? सोच के देखिए आप, उस वक्त से परमेश्वर से लड़ने की बात लूसीफर दिमाग में डाल रहा है लोगों के, आज भी चल रहा है। जब झूठा प्रॉफिट आएगा, जब वो अपना मुंह खोलेगा तो किसके विरोध में, और वो क्या करेगा? निंदा। आजकल क्या चल रहा है? निंदा, जिसको कहते हैं हंसी ठट्टा करना, स्कॉफर्स, यहां तक ठीक। लिखा है कि और उन सब लोग और सब कुलों ने अपनी 3 भाग किए, अपने 3 भाग किए, याद आ गया, एक एक दो दो लाख। लिखा है कि पहले ने कहा हम स्वर्ग पर चढ़ेंगे और उससे लड़ेंगे, पहला ग्रुप। दूसरे ने कहा हम स्वर्ग पर चढ़ेंगे और वहां अपने देवताओं को स्थापित करके उसकी उपासना करेंगे, आर यू रेडी फॉर द थर्ड वन। तीसरे ने कहा हम स्वर्ग पर चढ़ेंगे, उसे धनुषों और भालों से मारेंगे। ये 3 ग्रुप आपस में बात कर रहे हैं, और इसको देख कौन रहा है? परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर उनके सब कामों और उसके सब बुरे विचारों को जानता था, और उसने उस नगर और घुमट को भी देखा जिसे वे बना रहे थे, जिसे वे बना रहे थे। आप लोग बोर हो गए क्या? बात समझ में आ रहा है? वो उसको बना रहे थे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। बनाते बनाते उन्होंने अपने लिए एक बड़ा नगर और बहुत ऊंचा और दृढ़ घुमट बनाया। मैंने क्या कहा था? बना चुके थे वो। अब इसको पढ़ो, और उसकी ऊंचाई के कारण गारा और ईंटें, अब जरा ध्यान से सुनो, ये इतना ऊंचा था कि उसकी ऊंचाई के कारण गारा और ईंटें उस पर चढ़ाते समय राजमिस्त्रियों, राजमिस्त्री पता है ना जो सब बनाता है, लिखा है कि राजमिस्त्रियों तक नहीं पहुंची जब तक कि ऊपर चढ़ने वाले ने पूरा 1 वर्ष। तो इसको कहते हैं कि जब नीचे से बनाना शुरू किया था तो 5 मिनट में ईंट पहुंचा देते, ठकाक। बनाते 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 इतना ऊपर पहुंच गए कि नीचे वाले को ईंट पहुंचाने में टाइम लगता था 1 साल। और लिखा है कि पूरा 1 वर्ष पूरा नहीं कर लिया, उसके बाद वे राजमिस्त्रियों के पास पहुंचे और उन्हें गारा और ईंटें दे दी। इस प्रकार ये प्रतिदिन किया करते थे, प्रतिदिन। अब आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये 6 लाख लोग क्या हैं? पॉसेस, यही तो कहा था ना, इनको किसने, किस कौन इनके ऊपर हावी हो गया? दुष्ट आत्माएं, और इनसे ऐसा काम करा रहे हैं कि इनको किसी चीज की चिंता नहीं है, बस अपना काम पूरा करो। कितने लोग समझ रहे हैं? हम परमेश्वर का काम करने में आलसी हो जाते हैं। लूसीफर कहता है मैं तो ओवर टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम सब लेता हूं, सब करता हूं, और मेरे को बीच में ब्रेक नहीं चाहिए, ना टी ब्रेक ना कोई और ब्रेक। बात समझ में आ रही है? ओके, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, देखना चाहते हो? जब ये सब कुछ हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, ठीक है ना, तो लिखा है कि देखो वे दिन भर ऊपर चढ़ते और औरों को उतारते रहे, यदि उनके हाथ से कोई ईंट गिरकर टूट जाए तो वे सब उस पर रोएंगे, यदि कोई गिरकर मर जाए तो उनमें से कोई उसकी ओर ना देखे। अगर एक भी ईंट टूटकर गिर जाती थी, और जब वो गिर जाती थी तो उसके ऊपर रोते थे कि ईंट गिर गई, और अगर कोई आदमी गिर के मर गया तो उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। अब फिर से पूछूंगा, ये 6 लाख लोग क्या हैं? पॉसेस। सोच के देखिए आप, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन?
यहोवा ने उनके मन की बात जान ली और ऐसा हुआ कि जब वे बना रहे थे तब उन्होंने आकाश की ओर तीर चलाए। आकाश की ओर क्या चलाए? तीर चलाए। पीछे सब ठीक है? या आकाश की ओर तीर चलाए और वे सब तीर खून से भरे हुए उन पर गिरे। आप नहीं समझे, जब तीर चलाई स्वर्ग से वही तीर वापस नीचे आती थी, तो वो जब तीर नीचे आती थी उस पर खून लगा होता था। बताता हूं क्यों। लिखा है कि वो खून से भरे उन पर गिरे और जब उन्होंने उन्हें देखा तब एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय हमने ऐसा ही किया है, इन सभी को मार डालो जो स्वर्ग में है। अब आप नहीं समझे, मैं बताता हूं। जब ये तीर छोड़ते थे तो नीचे जो तीर गिरता था ये उसके ऊपर खून लगा रहता था, और ये खून लगाता कौन था? क्योंकि ये यहोवा की ओर से इसलिए हुआ वे उनको भटकाए। किसी की मजाल है कि परमेश्वर की तरफ तीर फेंके और वो तीर परमेश्वर को लगे और परमेश्वर लहू लोहान हो जाए? जब परमेश्वर का दिमाग खराब होता है ना, तो परमेश्वर ऐसी ताकत भेजता है, इफिशियन चैप्टर 2:1, जो आज्ञाकारी नहीं रहेंगे उनके अंदर भटका देने वाली आत्मा भेजूंगा। और पौलुस क्या कहता है थिस्सलुनीके की किताब में? कहता है कि जिसने सत्य के वचन को स्वीकार नहीं किया एंटीक्राइस्ट के टाइम, मैं उनको खुद ही भटका दूंगा। राजा फिरौन के मन को कभी सादा कभी नम्र तो कभी कठोर, रोमियो 9 का क्या कहता है? मेरी मर्जी, मैं कुमार हूं, मेरी मर्जी में बर्तन कैसे बनाऊं? लेकिन जब मौका मिलता है इंसान को तो उसका फायदा उठा। इसलिए यीशु क्या कहता है? मती 7:6 नहीं पढ़ना, कुत्तों और सुअर के आगे मोती मत फेंको। जब आप किसी को वचन सुनाते हैं ना, तो सर नीचे करके नहीं सुनाना, ऊंचा करके सुनाना कि बेटा तेरे पे मेहरबानी कर रहा हूं, अगर तेरे को बात समझ में आती है तो ले ले, नहीं तो टाटा बाय बाय नमस्ते, और मेरे को पता है कि तेरे साथ आगे क्या होने वाला है। इसलिए मैं ये एटीट्यूड सीखा हूं। मुझे लोग बोलते हैं ना, आप में एटीट्यूड है तो है, क्या कर लेगा? आप घमंडी दिखते हो तो हूं, क्या कर लेगा? मेरे को जो घमंड है ना, मेरे खुद पे नहीं है, जो मेरे पास है उसका घमंड है। टाटा बिरला अंबानी और क्या है, मदद करो, इन सबको घमंड है। हमारे पास में परमेश्वर है जिसने सब कुछ को बना, हमको कितना घमंड होना चाहिए। हद है यार, मैं इसमें नहीं घुसना चाहता, नहीं तो मेरा अंदर वाला बाहर आ जाए। तो लिखा है कि वे भटक जाएं और इसी रीति से उन्हें जमीन पर से नष्ट करने के लिए। तो इसको कहते हैं कि ये भटक रहे हैं, तो परमेश्वर ने बोला बेटा ठीक है, अब तो मेरा दिमाग खराब होगा, मैं तुम लोग को और भटकाऊंगा। जब आप किसी बाहर वाले को देखते हैं ना कि वो इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं, उनकी इमारतें बनकर तैयार कैसे हो रही हैं, आ रहा है ना कुछ कुछ समझ में? समझ जाना कि यह परमेश्वर का हाथ है। अगर कोई अपना झंडा लेकर अगर इतने फॉर्म में है ना, आज ऊपर से तीर में खून लग के गिर रहा है, इनको लगा हम मार रहे हैं, परमेश्वर बोला बेटा बताता हूं सब ठीक। समाप्ति पे आ रहा हूं। लिखा है कि उन्होंने घुमट और नगर को बनाया और बहुत दिन और वर्षों के बीतने तक वे ऐसा प्रतिदिन करते रहे। सब लोग ठीक है ना? बापरे, कब तक है अपने पास हॉल? ठीक है, प्रतिदिन करते रहे और परमेश्वर ने उन 70 स्वर्गदूतों से जो उसके सामने सबसे बड़े खड़े थे, आपको बताया ना स्वर्गदूत के बारे में, चेरुबियम्स सेरेफियम्स, 6 पंख वाले 4 पंख वाले, याद आया कुछ? तो ऐसे थे। लिखा है कि कहा आओ हम उतर कर उनकी जीभों को ऐसा बिगाड़े कि एक मनुष्य अपने पड़ोसी की भाषा ना समझ सके, और उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ ठीक है, कुछ नहीं कर सकते जब बंद, अच्छा ऑलरेडी बंद हो गया, अच्छा कर दो फिर उसको, माफी चाहते हैं आपको YouTube वालों, आपको अपलोडेड वीडियो बाद में मिल जाएगा। ओके यहां पर कंप्लीट करते हैं। तो लिखा है कि उनकी भाषा में गड़बड़ी आ गई। आई रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। चित्र देख लो, यहां पे टावर बन रहा है,
छोटी तक पहुंच चुके हैं। ये चित्र देख लो और लिखा है वचन 33 में, उस दिन के बाद से वे अपने दूसरे पड़ोसी की भाषा, कौन सी भाषा भूल गए? हिब्रू, हिब्रू, ये भूल गए एक भाषा, और एक भाषा में बोलना ना समझ सके। और जब राजमिस्त्री अपने पड़ोसी के हाथ से चूना या पत्थर ले लेता जिसकी आज्ञा उसने ना दी, ना उसने ना दिया, तो राजमिस्त्री ने उसे ढाल दिए, मतलब कुछ और दिया, पत्थर मांगा तो कुछ और दे दिया, ढाल दे दिया। और लिखा है कि उसे दूर फेंक दो और अपने पड़ोसी पर फेंक दो कि वह मर जाए। ऊपर से ढाल फेंकेगा, ढाल जिस पे लगेगा, और ये सब खेल किसके चक्कर में? भाषा बदली, जो पहले एक ही भाषा थी, एक भाषा बोलना ना समझे, जो एक भाषा थी उसको नहीं समझा। जो ईंट मांग रहा है वो पत्थर दे रहा है, जो पत्थर मांग रहा है वो भाला फेंक रहा है, आपस में नहीं समझ रहे हैं, और जिसके चलते आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। अब इसको पढ़ो, उन्होंने ऐसा बहुत दिन तक किया, उनमें से बहुतों को इसी रीति से घात किया। यहोवा ने वहां के तीनों दलों को मारा, कौन से तीन दल याद आ गया? 6 लाख लोग, इनको मारा और उनके कामों और युक्तियों के अनुसार उनको दंड दिया। अब आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने किसको कैसे मारा, देखना चाहते हो? लिखा है, जो कहते थे कि हम स्वर्ग पर चढ़कर अपने देवताओं की उपासना करेंगे, वे वानर और हाथियों के समान बन गए। वानर, इंग्लिश ट्रांसलेशन है एप्स या एप, एप्स, इसके ऊपर बॉलीवुड वालों ने मूवी बनाई थी। और ये कौन है? एलिफेंट्स, हाथी। अब मेरा सवाल है, ये क्यों बनाया परमेश्वर ने? सिर्फ पूछो क्यों? जिस पत्थर और लकड़ी की मूर्ति बनाई थी नबूकदनेस्सर ने, यही तो बनाई थी, तो बोला जिसको तुम पूज रहे हो मैं तुमको वैसा ही बनाऊंगा। भजन संहिता 115 याद आया, 115 नहीं 15 अध्याय याद आया, जहां पे लिखा है कि ना तो उनके हाथ हैं, सॉरी उनके हाथ तो हैं लेकिन छूते नहीं है, आंख है बोल दो देखते नहीं है, सुनते नहीं है बोलते नहीं, जैसे वे हैं वैसे ही तुम भी हो। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। सोच के देखिए आप, आपका दिमाग दौड़ा कि नहीं दौड़ा इन दोनों के ऊपर? आज ये दोनों आज भी फॉर्म में है, और कहते क्या है? ये हमारे सनातन पूर्वज अलाना फलाना। सोच के देखिए क्या चल रहा है। डैनियल भाई, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा परमेश्वर कर सकता है? कर सकता है, छोड़ो, एक के साथ किया था। लिखा है द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 4:25 में, लिखा है कि राजा था वो भी इसी शहर का जिसका नाम है बाबुल बेबुलोनियंस। इसका राजा का नाम था नबूकदनेस्सर, अगर आपको याद आ गया, मैं खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में। नबूकदनेस्सर, इस व्यक्ति को परमेश्वर के दास ने कहा था कि मैं, अगर तू नहीं सुधरा मैं तेरे ऊपर 7 साल, कितना? 7 साल। लिखा है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों की नाई घास चरेगा। यहां पे क्या है? वानर। यहां पे क्या है? हाथी। यहां पे क्या है? बैल। लिखा है, इसको पढ़िए, आकाश की ओस से भीगा करेगा 7 युग, 7 years, 7 साल, 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, जिसे चाहे वो देता है। नबूकदनेस्सर को अकल आई, इसके नाखून बड़े हो गए थे, नाखून पैर के और हाथ के, और ऐसे नाखून हो गए। लिखा है मैंने जब स्टडी दिया था ना तो आपको बताया था, आप ठीक है भाई साहब? सोच के देखो क्या चल रहा है। और ये सब आपकी बाइबल में है, और अगर आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो फिर मेरा क्वेश्चन है, ये कैसे पॉसिबल है? लूसीफर को किस रूप में बताती है बाइबल? सांप। यीशु, जो इन सब के लिए 40 साल पानी बनकर वो चट्टान चलता था साथ में, वो क्या बना? चट्टान।
उस वक्त के साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट, उनका माथा खराब हो जाएगा, पागल होके घर पे बैठ जाएंगे कि बोला चल क्या रहा है। और वो छोड़िए, ये जो इतनी मोटी दीवार थी जिसको कहते वॉल ऑफ जेरिको, इसको कैसे तोड़ा? एक बड़ा बुलडोजर लाया, एक बहुत बड़ा डायनामाइट लाया, लगाया और फोड़ दिया। ऐसा था, लिखा है कि 13 दिन, कितना दिन? 13 दिन, 6 दिन एक एक चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, 6 और 7 कितने होते हैं? दीवाल गिर गई, सिर्फ चक्कर लगाया दीवाल गए। कैसे पॉसिबल है? Are you ready for the next one? और जो कहते थे हम तीरों से स्वर को मार डालेंगे, उनको यहोवा ने एक मनुष्य को उसके पड़ोसी के हाथ से मार डाला। जो कहते थे ना हम स्वर्ग से लड़ेंगे, परमेश्वर उसको पड़ोसी के हाथ से मार दिया। उनका तीसरा दल जो कहते थे कि हम स्वर्ग पर चढ़कर उससे लड़ेंगे, उनको यहोवा ने पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया, बोला फैल जाओ। अब इसको सुनिए, और जो लोग उनमें से रह गए, उन्होंने सब जान लिया और समझ लिया कि हम पर विपत्ति आने वाली है, तो उन्होंने भवन को छोड़ दिया, भवन को छोड़ दिया और सारी पृथ्वी पर तितर बितर हो गए। उन 6 लाख लोगों के अलावा बाकी जो देख रही थी ना पब्लिक। अब इसको रखकर एक प्रश्न पूछूं, क्या यहां नूह है? ऑफ कोर्स, अभी तो बताया क्या हो गया आपको। क्या यहां अब्राहम है? ऑफ कोर्स। क्या नूह की भाषा बदली? यही तो समझा रहा हूं। क्या अब्राहम की भाषा बदली? यही तो समझा रहा हूं। इनकी भाषा नहीं बदली, ये अभी भी वहीं पर है। जिनके ऊपर भाषा आई, अब्राहम और नूह वहीं पर है। और ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले क्या कहते हैं? भाषा एक ही बेड़ा का रखे। रखूंगा भी समाप्ति में, सब लोग ठीक ओके। फिर लिखा है उन्होंने नगर और घुमट को बनाना बंद कर दिया, इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाबेल, और हिब्रू वर्ड है बिलबुल। सब लोग बोलो बिलबुल। बिलबुल का मतलब होता है क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये बिलबुल आज भी चल रहा है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा अल्लाह रखा रिकारा बिकारा सिकारा। यू अंडरस्टैंड? यहां तक ठीक? जरा चित्र देख लो, ये 3 लोगों के साथ तो ये 3 घटना घटी, आपको समझ आ गया राइट? लेकिन टावर के साथ में भी 3 बातें हुई है। तो सबसे पहले लिखा कि जो घुमट मनुष्यों ने बनाया था, पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर उसका 1/3 1/3 आधा हिस्सा, जिसमें से 3 में से 3 हिस्सा, 1 हिस्सा भाग निकल लिया, और आग ने उतर स्वर्ग से उतर कर 1/3 को जला दिया। बचा हुआ 3रा हिस्सा, 1/3 आज के दिन तक बचा है, वह इस भाग का है जो ऊपर था, उसकी परिधि 3 दिन की पैदली की दूरी पर है। मतलब उस वक्त भी जब ये लिख रहा था ना, तब तक ये था, और वहां पहुंचने के लिए भी 3 दिन लगता था। और उसको ऐसे ही रखा ताकि पब्लिक को पता चले, लूत की पत्नी को नहीं भूलना। किसने बोला? यीशु ने, कि लूत की पत्नी को नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि लूत की पत्नी के बारे में जशर कहता है कि दिन में नमक पिघलता है, धीरे धीरे पिघलता था, लेकिन जब रात होती थी वो नमक फिर चढ़ता था। तब यीशु ने कहा इसको याद रखो, और वो याद रखने के लिए रखा था। वैसे इसको भी यहां से जो भी गुजरे तो लोगों को पता चले कि इन लोगों के साथ हुआ क्या है। 1/3 जमीन के नीचे, 2/3 जल के राख, 1 हिस्सा बचा है जो अभी तक है। और लिखा है कि उस घुमट में बहुत से मनुष्य अर्थात अनगिनत लोग मर गए, लेकिन निमरोध नहीं सुधरा। इन सब के बावजूद ये निमरोध नहीं सुधरा। एक होता है ना कि भाई थपाड़ थपाड़ पड़ रही है, सुधर जा, काय का सुधर रहा है, ये नहीं सुधरा। आइए देखते क्या लिखा है, समाप्ति पे आ गया हूं, ठीक है ना, समाप्ति पे आ गया हूं। लिखा है कि निमरोध बाबिल में रहने लगा, वहां उसने अपनी बाकी प्रजा पर फिर से राज्य करना शुरू कर दिया। वह निडर होकर राज्य करने लगा निमरोध की प्रजा हाकिमों ने, यह कहकर उसका नाम अमराबेल रखा। घुमट पर उसके हाकिम और पुरुष उसके हाथ से गिर गए। रखा इसलिए रखा कि
जो घूमट से गिर गए वो इस वजह से गिर गए, तो नाम रखा अम्रापेल। ओके, और इसके बावजूद निम्रोद प्रभु के पास नहीं लौटा। सोच के देखिए, अगर आप और मैं होते तो माफ कर प्रभु। पत्रस ने 3 बार इनकार किया, मुर्गे ने भांग दिया, पत्रस बदल गया। इसको देखो, वह दुष्टता करता रहा और मनुष्यों को दुष्टता सिखाता रहा। तो पहले से ही दुष्ट, जब ये घटा है तो और भी दुष्ट। उसका पुत्र मर्दोन अपने पिता से भी बुरा था, अपने पिता के घृणित कामों को बढ़ाता रहा। अब इसको देखो, और उसने मनुष्यों से पाप कराया, इस कारण कहा जाता है कि दुष्ट से दुष्टता निकले। अब इसका कनेक्शन बताकर खत्म कर रहा हूं। सब लोग ठीक, और जितने सो रहे हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने जाग रहे हैं और सुन रहे हैं हालेलुया। बस ओके, इस चित्र को आप जानते हैं, यहां 120 लोग थे और इसको बनाने वाले 6 लाख, याद आ गया? क्या यहां एकता थी? ऑफ कोर्स। क्या यहां एकता थी? ऑफ कोर्स। तो लिखा है एकता यहां भी थी, भाषाएं यहां भी उतरी, एकता यहां भी थी और भाषाएं यहां भी उतरी थी। लिखा है, पढ़ लीजिए, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। यहां तक ठीक है? तो एकता यहां पे भी थी, एकता यहां पे भी थी, लेकिन जब भाषा उतरी तो अंतर बिल्कुल साफ है, या मकसद बिल्कुल साफ है। यहां पे जब भाषा उतरी तो किसी को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जब यहां पे भाषा उतरी सबको समझ में आ रहा है। फिर कैसे कहते हैं कि जो रबा रबा सबा सबा, हमको समझने की जरूरत है? पागल, फिर ये क्या हुआ है बताइए। फिनिश कर रहा हूं। ये तीनों के तीनों लड़के यौवने लोगों को पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि उत्पत्ति 11 की बात कर रहा था, टावर टूट चुका है, लोग बिखर चुके हैं, तो इन्होंने सबने अपना अपना रास्ता लिया, पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। उससे लोगों ने नगर को बनाना पूरा नहीं किया। लिखा है कि यही वह जगह थी जहां यहोवा ने पूरे संसार की भाषा को बिगाड़ कर दिया था, जो भी, इसलिए उस जगह का नाम बाबुल, बिलबुल, बिलबुल पड़ा। इस प्रकार यहोवा ने इस जगह से लोगों को पृथ्वी के सभी देशों में फैला दिया। ये पहुंचा इथियोपिया में, यूरोप में, ये पहुंचा अफ्रीका में, और ये पहुंचा एशिया में। इज़राइल को परमेश्वर ने इन सब राज्यों के आसपास रखा, इजिप्ट, कनान, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन, इन सब के आसपास रखा। और आपको बता दूं कि जब जब इज़राइली निकलते थे तो इनका सामना होता था इजिप्ट से। पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि इजिप्ट फेमस था, अगर इसको मारेंगे तो ये ऑटोमेटिक फेमस हो जाएंगे। ये फेमस था, अगर इस पर विजय पाएंगे तो ये ऑटोमेटिक फेमस हो जाए। ये भी फेमस थे, तो इनके कंधे पे रख के परमेश्वर ने इज़राइलियों से गोलियां चलवाई है। इसके ऊपर जब आऊंगा तो बात करूंगा। एक नया युग शुरू होता है जिसको कहते हैं इज़राइल, और एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है अब्राम। तो एपिसोड नंबर 7 में जन्म से लेकर 75 साल तक अब्राहम कहां था? 75 साल की कहानी, पद 10 से 32 तक, क्योंकि ये अभी तक हाथ नहीं लगाया मैंने, यहां से अब्राहम की एंट्री होती है। इसको हम सीखेंगे एपिसोड नंबर 7 में। सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं।